सर्व विघ्न हरणी देवम सर्व विघ्न विवर्जितम सर्व सिद्धि प्रदातारम वंदे सिद्धि विनायकम वंदे सिद्धि विनायकम। नमामि नारायण पाद पंकजं वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्वमव्ययं करोमि नारायण पूजनं सदा। नमस्ते नमस्ते नमो नमः नमो नमः। अरे अरे जरा रुक जाइए मुंशी जी। क्यों, मुहूर्त ठीक नहीं है या टैक्स लगेगा नहाने पे? वाटर टैक्स सभी ठहरे हुए हैं। अच्छा? बस पुजारी जी निकल आए। ओहो, महामना पुजारी, माधवाचार्य जी के स्नान ध्यान में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, है ना? उनका मजाक मत उड़ाइए मुंशी जी। ये तो उनकी किस्मत है और हमारी खुशकिस्मती कि वो हमारे बीच इस छोटे से गांव में रहते हैं। हाँ, नहीं तो आसमान में उड़ते। उनके लिए वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है मुंशी जी। अरे स्वयं परमात्मा जी से आकर बात करता। अरे स्वयं परमात्मा जी से आकर बात करता हो, आपने देखा? अरे मास्टर, ये पुजारी दिखता भोला है मगर है बड़ी चालू चीज। जय हो पुजारी जी महाराज। कृष्णार्पणम। चलो उन्हीं को अर्पण सही। पुजारी जी, चौधरी साहब की सूंघने की डिबिया खो गई है, चांदी की। जरा पूछिएगा भगवान से कहां मिलेगी। अवश्य अवश्य पूछूंगा। परंतु मानव को भी अपना यत्न करना चाहिए। सो आप भी ढूंढिएगा, मैं भी ढूंढूंगा पूजा के बाद। हरे राम राम राम, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। आसमान की तरफ थूकने से मुंशी जी अपने ही मुंह पर गिरता है। उसकी बातों में तो आओ मत मास्टर। तुम्हें, हमें, उस पुजारी को और उसके भगवान को भी जो खाना देते हैं ना, वो है इस गांव के सरपंच चौधरी रुद्र नारायण। वही है साक्षात परमात्मा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। पाहि माम श्री कृष्ण, पाहि माम परमात्मा, पाहि माम।
अब पलक देखते रहते हो माधव, प्रतिदिन थकते नहीं? युगों तक देखता रहूं स्वामी तो भी मन तृप्त नहीं हो सकता। कैसा मनोरम रूप है, कैसी अद्भुत छवि। ये मनोरम रूप क्या तुम्हारी अपनी कल्पना नहीं है माधव? सचमुच तुम मनुष्यों के अहंकार की कोई सीमा नहीं। तुम्हारे विचार में तुमसे सुंदर आकार कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए तुमने परमात्मा को भी ठीक अपने जैसा ही सोच लिया। पाहिमाम स्वामी, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो इस तरह ताने मारकर मुझे दंड दे रहे हो? मैं तो तुमसे ठिठोली कर रहा था, तुमसे नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? फिर ठीक है, एक निवेदन था प्रभु। नवेद्य के बाद निवेदन तो आना ही था। बोलो, वो अपने चौधरी जी है ना, रुद्र नारायण जी, उनकी सुनने की डिबिया खो गई, अभी अभी मुंशी जी ने बताया। नहीं, मनुष्य होने के नाते ढूंढने का प्रयत्न तो करेंगे ही, लेकिन लेकिन भगवान होने के नाते मुझे भी तो कुछ करना होगा, नहीं? पाही माम, मेरा ये मतलब नहीं। अच्छा, और कुछ? वो अपने मास्टर चुनीलाल जी हैं, बहुत परेशान हैं, घर में सयानी बेटी है और दहेज की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी उसके लिए लड़का देखूं? हाँ। लड़की सुंदर है? दीपशिखा जैसी है स्वामी, रूपवान गुणवान, आपने भी देखा होगा। याद नहीं पड़ता, उससे कहो संध्या को आकर मुझसे मिले। अवश्य, साथ ले आऊंगा। तुम्हारे आने की कोई आवश्यकता नहीं, बिचारी खुलकर अपने मन की बात नहीं कह पाएगी। यानी कि अकेला भेज दो जवान लड़की और आपके साथ अकेली? मैं परमात्मा हूं माधव। हाँ, पर कृष्ण अवतार और जवान लड़की? ना बाबा, इस मामले में तो मैं भी आप पर भरोसा नहीं करूंगा, भले ही आपको बुरा लगे। हाँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। पर माधव, सारे गांव के दुखड़े सुनाते हो, अपने बारे में भी तो कुछ कहो। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी कैसे हैं वो? और हाँ, वो तुम्हारा छोटा भाई? उस पाजी की मत पूछो कन्हैया, गुड्डू की माँ उसी की चिंता में झूलती रहती है, और गुड्डू आधी आधी रात नींद में चाचा चाचा कहके जग जाता है, और वो नालायक है कि चार चार दिन तक घर लौट के नहीं आता। ऐसे कौन से बड़े काम में लगा रहता है? अगर कोई काम करता होता तो रोना किस बात का था प्रभु, वो तो बस पूरी संगत में पड़ा रहता है, भ्रष्ट। लाना चाहता हूं तो सब मना कर देता है, पता है क्या बोलता है? पाहिमाम, कहता है कि भगवान भगवान कुछ है नहीं, मैं स्वयं भगवान हूं। कलयुग है और क्या, या वो ठीक कहता है, मैं शायद हूं ही नहीं। पाहिमाम, ये क्या कह रहे हो स्वामी, आज क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। हो सकता है तुम्हारा सवाल और मेरा जवाब केवल तुम्हारा भ्रम मात्र है। बेकार मुझे उलझाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उस नालायक के मन में प्रवेश कीजिए, उसे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए कि मेरे जीते जी वो इस मंदिर में आए और आपकी सेवा पूजा करे। पर माधव, जो मुझे मानता ही नहीं वो मुझे देखेगा कैसे, कैसे मेरी बात सुनेगा? अब सारा मुझे यकीन।
अपने गांव की गोरी भी तो हसीन है, उसने का दीदार किया क्या बुरा किया, किसी को जो प्यार किया क्या बुरा किया। क्यों भाई मैंने बुरा किया? अप्सरा मुझे यकीन है, लेकिन अपने गांव की गोरी भी तो हसीन है। सपना है शायद सच ना हो पाए, हाथों से मत जाने दो, आज तुम्हें जो मिल जाए। हाँ खुद को ही बर्बाद किया, कब औरों को सताया है, कब औरों को तड़पाया, अपना जिगर जलाया है। उस दुनिया में मिलेगी शराब है तो बार है, लेकिन इस दुनिया में भी तो मदिरा का बाजार है। स्वर्ग में मिलेगी अप्सरा मुझे यकीन है, लेकिन अपने गांव की गोरी भी तो हसीन है, हुस्न का दीदार किया क्या बुरा किया, किसी को जो प्यार किया क्या बुरा किया। क्यों भाई मैंने बुरा किया? जन्नत क्या है कैसी है करो सवाल तो अच्छा है, दिल के बहलाने के लिए मगर ख्याल तो अच्छा है। हाँ दुनिया मगर ख्याल नहीं, दुनिया एक हकीकत है, जो कुछ जितना मिल जाए समझो बड़ी गनीमत है। उस दुनिया में मिलेगी शराब एतबार है, लेकिन इस दुनिया में भी तो मदिरा का बाजार है। स्वर्ग में मिलेगी अप्सरा मुझे यकीन है, लेकिन अपने गांव की गोरी भी तो हसीन है, हुस्न का दीदार किया क्या बुरा किया, किसी को जो प्यार किया क्या बुरा किया। क्यों भाई मैंने बुरा किया? ये जो हैं तुम्हारे हो गए 35, 36, 37। अरे सुन ये जो ये आखिर के जो चारों बोरे हैं ना, ये अलग से रख एक तरफ उठा के। हाँ अरे हाथ पैर चलाओ रे जल्दी, काम खत्म करना है कि नहीं। हो गया मालिक, इस तरफ की धान की लदाई का सारा काम खत्म हो गया। अब बचे हैं 200 बोरे मंदिर की जमीन के, 15 बोरे विद्यालय यानी मास्टर चुन्नीलाल के हिस्से के, 1200 बोरे मालिक आपकी मालकिन यानी किशनगंज की ठकुराइन के हिस्से के, और हाँ आपके भी हैं, आपके हिस्से के भी हैं 6.5 बोरे। अबे चिल्ला क्यों रहा है बेवकूफ, सारी दुनिया को सुनाएगा क्या? तो रवाना कर दूं गाड़ियां। नहीं यही गार्जे जमीन में।
ये भी खूब कही मालिक। वैसे विद्यालय का हिस्सा दे दू ना मास्टर को और देवालय का हिस्सा। भाड़ में गए विद्यालय और देवालय, जाओ जाके सारा माल गोदाम में भर दो। हरिओम हरिओम, देवालय का भी। वो बेचारा पुजारी तो इस साल की बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। एक बात बताओ मुंशी, उस पुजारी के धान में तेरा भी कोई हिस्सा है क्या? कैसी बात करते हैं प्रभु, अगर दूसरों का हिस्सा मारने की कला जानता तो आज मैं भी आपकी तरह बड़ा आदमी नहीं होता क्या? मैं तो पुजारी के हिस्से की बात कर रहा था। बोल दो जी, जाके मांग ले अपने भगवान से, वो तो रोज मिलता है ना उसे। और मास्टर चुन्नीलाल का क्या करूं, वो जो पठान की तरह खड़ा उधर वसूली करने। ओहो, इतनी हिम्मत उसकी, उल्टे सीधे चार अक्षर क्या पढ़ाता है गांव के गंवार बच्चों को कि उसे तनख्वाह भी यही चाहिए खेत में। जाके बोल दो उसे कि अनाज तो अनाज, घास का एक तिनका भी नहीं मिलेगा उसे। बोल देता हूँ, अनाज तो अनाज, घास का एक तिनका भी नहीं मिलेगा तुझे। अगर मेरी अम्म्या अम्म्या तय कर दो तो फिर से कुछ सोचा जा सकता है। मैं गरीब मास्टर, आपको क्या दे सकता हूँ? मैं गरीब मुंशी, मैं भी क्या कर सकता हूँ? जाया से, चलो निकालो गाड़ी को। ए, निकालो, रवाना करो गाड़ी को। ए, मुंशी जी, मेरी मजदूरी तो देते जाइए मुंशी जी। क्या बात है बसंती, तुझे मजदूरी नहीं मिली? नहीं मालिक, वो तो ऐसे ही चला गया। कोई बात नहीं, फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। तू ये कद्दू उठा और मेरे साथ चल। अरे मैं चौधरायन से कह के तुझे पुरानी साड़ियां दिलवा दूंगा, रेशमी और नायलॉन की भी। चल उठा कद्दू। आया आजा आजा संभाल के। अरे तू तो धोखनी की तरह हाँप रही है, थक गई क्या? ऐसे छोटे मोटे बोझ से मैं नहीं थकती मालिक। अच्छा, ऐसे छोटे मोटे बोझ से नहीं थकती तू? जरा देखे तो, जरा कद्दू नीचे उतार 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 उतार। अरे ये तेरे निशान कैसा है? बाप रे, ये तो सूज गया है। अरे रे 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 रे, कैसा जल्लाद है तेरा मर्द, ऐसे भोले भाले फूल से गालों पर खरोचे डाल दी। जरा अच्छी तरह देखने तो दे, सुना है कि तेरा पाजी मर्द तेरे जैसी सुंदर औरत के होते हुए इधर उधर गंदी नालियों में मुंह मारता फिरता है, ये सच है क्या? नहीं मालिक, नहीं, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं, मुझे जाने दो। अरे तो मैं ही कौन सा वैसा मर्द हूँ, ये सारा कसूर तो तेरी सुंदरता का है, ये तेरे सुंदर सुंदर गाल, ये तेरे भरे भरे होंठ और तेरा सपाट पेट। आए हाय, अरे क्या तू बिना वजह नखरे कर रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए। चल हंस 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 हंस। गोपाल, 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 ये क्या हो रहा है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें पूछना क्या है, वो भारी था कद्दू, मैंने जरा सा हाथ लगा दिया, इंसान इंसान की मदद करे इसमें बुराई क्या है? इस तरह छुपकर। नटखट, तुम तो बड़े दूध के धुले हुए हो ना। लेकिन मैं दूध कह के शराब नहीं पीता चौधरी, मैं जो कुछ भी करता हूं खुले आम करता हूं, और फिर किसी को दुखी करके सुखी होना मैं पाप समझता हूं। वाह, पाप पुण्य का ठेका ले रखा तुमने, गांव में रहना है कि नहीं? ये ठेकेदारी दलाली आप लोगों का काम है, रही गांव में रहने की बात, चलिए सबके सामने बात कर लेते हैं। डरा रहे हो मुझे, धमका रहे हो, ये सबूत काहे छोड़े जा रहे हो पीछे कद्दू? देखो गोपाल, मैं तुम्हें, अरे गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, मान लीजिए कि ये बात मैं आपकी पत्नी मिसेस चौधरी को बताऊं कि पोवल के ढेर के पीछे माननीय चौधरी साहब एक कद्दू भूल कर आए हैं, तो कसम कद्दू। नहीं नहीं नहीं, ठीक है लेके जाता हूं। ये भारी गगरिया कैसे उठाऊं, अरे भारी गगरिया कैसे उठाऊं, के कमर मेरी लचके तो कमर मेरी लचके।
अरे धन्ना जी गुरुजी, जरा भाग के पटवारी जी के घर जा और थोड़े से मीठे नीम के पत्ते ले आ, खट्टी छाछ बची होगी थोड़ी सी वो भी मांग लाना। अरे छोटू, और हाँ हो सके तो सीताराम जी के घर से थोड़े से बैंगन और कुछ इमली तोड़ के लाना, आज तुम लोग की पढ़ाई यही है। तुम्हें भला काहे की फिक्र है, उड़ाओ मजाक और उड़ाओ। तो क्या तारीफ करूं गुरुजी, यही शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? भूखे भजन ना होत गोपाला। तो भूखे रहने को किसने कहा आपको? क्यों नहीं चौधरी को कहते कि आपकी तनख्वाह दे दे, आपके हिस्से का अनाज दे दे? वो कैसा लाभ अपनी जेब से देता है, वसूल क्यों नहीं कर लेते आप? काश मुझ में इतनी हिम्मत होती, दो दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। तुम्हारी भाभी मंदिर से प्रसाद भेज देती है, बस उसी पर गुजर कर लेते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना गुरुजी, मैं तो बेवकूफ हूं, जो भी मुंह में आता है बक देता हूं, अकल थोड़ी है मुझ में। ए, ए, गाड़ी रोको, रोको। अरे अरे, अरे यहाँ पर क्यों रोक रहे हो, यहाँ कुछ नहीं उतारना है। उतारना है मुंशी जी 10 बोरे। हा? चलो जल्दी से गिन के 10 बोरे गुरुजी के घर पे रख के आओ। नहीं गोपाल, ये ठीक नहीं है, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। घबराइए मत गुरुजी, मैं सब संभाल लूंगा। अरे गोपाल भैया, मालिक मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, मैं कहूंगा क्या उनसे? कद्दू 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 ओ कद्दू यानी तुम्हारी मालिक से बात हो गई है? तब तो ठीक है, उतारो उतारो बोरे, उतारो 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 उतारो। गोपाल भैया, गोपाल भैया, बड़ा चर्चा सुना है आपकी पार्टी शार्टी का, यूं नाचती हैं यूं गाती हैं, सुना है स्वर्गलोक से अप्सराएं उतर आती हैं धरती पर जैसे, तो एकाध दिन इस गरीब को भी ले चलो ना अपने साथ। क्यों नहीं क्यों नहीं, लेकिन इससे पहले एक बार आपकी घरवाली से इजाजत लेनी पड़ेगी। मैं स्वर्गलोक जाने की बात कर रहा हूँ और आप तो मुझे स्वर्गवासी बनाने पर तुले। उतारो उतारो चलो। भाभी मर गया, भूख के मारे जान निकल रही है, कहाँ हो तुम, जल्दी से खाना लेके आओ वरना चाचू बेचारा भूखा मर जाएगा। हाँ ये ले। क्या खुशबू है, ये खाने की नहीं हो सकती, ये खुशबू तेरे हाथों की जरूर होगी। अरे अरे अरे, खाने से पहले दाता को याद नहीं करोगे, ये उन्हीं का तो प्रसाद है। देख भाभी, अगर ये तेरे हाथों का प्रसाद है तो आंखों से लगा कर खाऊंगा, और अगर ये भगवान का है तो मुझे नहीं चाहिए। हे राम, अरे पाप लगेगा तुझे। अरे भाभी, आजकल भगवान मुझसे भी ज्यादा बुरी संगत में पड़ा हुआ है, चौधरी और मुंशी जैसे शैतानों की संगत में। गोपाल, जो कुछ भी सुन रहा हूं वो सब सच्ची है, इसकी हट धर्मी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी इसने माननीय चौधरी जी की गाड़ी रोक ली और उनके बारे में खूब उल्टा सीधा बका। छोड़ो भी, नादान है। छोड़ो बोलो कुछ नहीं, कहो इससे कि जाके क्षमा मांगे चौधरी जी से। कभी नहीं, चौधरी के काले कारनामों के बारे में दादा को कुछ पता नहीं है। तू कौन होता है दूसरों के कर्मों का हिसाब लगाने वाला? हाँ, वो ऊपर बैठा है ना परमात्मा, वो देख रहा है सब कुछ, उतने ऊपर से उसे ठीक से दिखाई नहीं देता होगा, या गुरुजी को तनख्वाह नहीं मिलती, स्कूल की जमीन की उपज भी वो चौधरी पछा जाता है। इस साल स्कूल की जमीन पर ना कुछ उगा है, ना स्वयं सीमान जी की जमीन पर, उल्टे बीज का नुकसान हुआ है, मंदिर की जमीन तक कोरी की कोरी रहेगी मालूम। अगर मंदिर को हिस्सा नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा, भोग नहीं चढ़ा तो उस पत्थर के भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर गुरुजी और दूसरे लोग तो इंसान है, वो भूख से मर भी जाते। अगर चौधरी जैसे राक्षस के जिम्मे में सब कुछ रहा तो वो इंसान को भी मिटा देगा और भगवान को भी। गोपाल, श्रीमान जी स्वयं भगवान के अनन्य सेवक हैं, देवता समान है, ये जो रूखा सूखा पेट भरने के लिए मिलता है ना, ये भी उनकी मेहरबानी है। अगर ये उनकी मेहरबानी है तो फिर ये मेरे लिए जहर है, इसे खाने की जगह भूखे मर जाना पसंद करूंगा मैं। अरे गोपाल सुन तो, गोपाल इतने दिनों के बाद आया था और थाली पे से उठा दिया तुमने, यही वक्त था क्या बहस करने का? मगर कौन सी ऐसी गलत बात कह दी मैंने? क्या मुन्ना, ज्यादा चढ़ा लिया क्या?
तुम्हें क्या तकलीफ है? जरा खुजली हो रही है इनके हाथों में, सो मिटाने चले आए हैं। नमस्कार नमस्कार। तो आपको कहां हो रही है खुजली? नीचे पकड़ा। ऐसा इलाज करूंगा कि जिंदगी भर के लिए खुजली मिट जाएगी। अरे देख क्या रहे हो तुम लोग, तोड़ दो पाजी के हाथ पांव। इधर आ। अरे भागेगा तो और मार खाएगा, चला जा। चलो सीधी तरह से इनके पैसे दे दो। क्यों भाई, मारने के कितने? 20 रुपए। चलो 40-40 रुपए एक एक को दे दो। 40 क्यों? मारने के 20 और मार खाने के 20। चलो। अरे मुंह ये ले। चलो चलो चलो। देखो चौधरी, मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहता कि मुझे अपने बड़े भाई का ख्याल है, लेकिन अगर इसी तरह मजबूर करते रहोगे तो कसम कद्दू की ऐसी नजर उतारूंगा कि तुम्हारा ये थोपड़ा कद्दू की तरह पिलपिला हो जाएगा। क्या बोला? कद्दू की तरह पिलपिला हो जाएगा। अभी बोलते रहो। हाय 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 गोपाल। अरे गोपाल, इतनी देर कहां लगा दी यार, किसी काम में फंस गए थे क्या? काम अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मालूका कहे गए सबके दाता राम। तो फिर कहां अटक गए थे भाई? दुष्टों की शिक्षा और भलों की रक्षा का प्रबंध कर रहा हूं। हाँ हाँ, हंसो। मैं तेरी तरह बड़े बाप का बेटा नहीं हूं जिसे ना कोई फिकर है और ना कोई परवाह। अरे 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 गोपाल, तेरी साइकिल। अरे रुको, अरे लाल कुत्ते वाली। गोपाल भैया, वो ठाकुरायन की बेटी है, बोल के गई है साइकिल घर से आके लेके जाना। अरे गोपाल भैया, ये सामान। अरे आ गई बिटिया, परीक्षा तो ठीक से हुई गई ना? अरे काका, परीक्षा तो हमारा बहुत ठीक हुआ। मगर माँ कहाँ है? पूजा घर में है, अब ही खबर करत है। अच्छा। बहन जी, बहन जी, बहन जी। आइए भाई साहब, सब ठीक तो है? अब क्या बताऊं बहन जी, आपके बोलने से ही पता लगता है कि इस साल भी फसल अच्छी नहीं हुई है ना? वैसे फसल तो अच्छी ही हुई थी बहन जी, लेकिन कीड़ा लग गया, सब बर्बाद हो गया। किसी तरह अपना और मजदूरों का पेट काटकर 10,000 रुपए इकट्ठे करके लाया हूँ आपकी सेवा में। ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे भाई साहब? मैं तो आप ही से बात कर रहा था बहन जी। तेरी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है रजनी। बिल्कुल आपकी आवाज बनाकर बोल रही थी ये। कब आई? बस अभी अभी, और आते ही चौधरी चाचा के दर्शन प्राप्त हुए। सचमुच बड़ी शरारती है, भगवान जाने जब हमारे घर बहू बनकर आएगी तब क्या होगा। वो दिन कभी नहीं आने वाला, आप बिना वजह भगवान को परेशान मत कीजिए रजनी। कोई बात नहीं। पेपर तो ठीक हुए ना बेटा? मेरे पेपर्स तो बड़े अच्छे हुए, लेकिन आपके बेटे के पेपर्स तो इस साल भी गड़बड़ हैं। उसके डॉक्टर बनने का सपना इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा। चलो ना सही, बहू डॉक्टर बन जाए तो एक ही बात है। फिर वही बात। काका पहले कॉफी।
फिर गर्म पानी नहाने के लिए, फिर नाश्ता। मैं तो जनकपुरी के स्वामी जी के पास भी गया था, बड़े सिद्ध पुरुष है। मैंने उनसे कहा कि ये हम जैसे सीधे साधे भोले लोगों को सालों साल ये किस बात की सजा मिल रही है, जानती है वो क्या बोले? क्या बोले? मंदिर की ट्रस्टी होकर भी ठकुरायन को ना भगवान की चिंता है ना पुजारी की, ये सब उसी उपेक्षा का फल मिल रहा है। पर मैंने मंदिर की उपेक्षा कब की थी? असल में ये भी मेरी ही गलती है, मुझे बताना चाहिए था कि देवालय को मुरम्मत की जरूरत है, नया कलश बिठाना है, करीबन 10,000 का खर्चा है। लेकिन मैंने पुजारी जी से साफ कह दिया कि इस साल भी मंदिर की जमीन से कोई आमदनी नहीं हुई। ये लीजिए। मंदिर और भगवान से बढ़कर तो पैसे नहीं है भाई साहब, ये 10,000 रुपए आप ही ले जाएं और जैसे पुजारी जी कहे वैसे ही खर्च करें। कृष्ण अर्पणम कृष्ण अर्पणम कृष्ण अर्पणम। जी वो मेरी साइकिल चुरा कर भागी है, एक लाल कुर्ते वाली। माफ कीजिएगा। अरे क्या हुआ? शायद मैं गलत मकान में आ गया। क्यों? यही मकान क्यों नहीं हो सकता? जी नहीं, ये नहीं हो सकता। मकान भी यही हो सकता है और चोर भी यही हो सकता है, मेरा मतलब है चोरनी। हाँ चोरनी। लेकिन लेकिन वो आप नहीं हो सकती। ऐसी साफ और खूबसूरत आंखें हैं आपकी, आप चोरी कैसे कर सकती हैं? चोरी आंखों से की जाती है या हाथों से? मेरा मतलब था कि आप बहुत अच्छी भली लड़की हैं। वो कुछ अजीब थी, लाल कुर्ते वाली। कपड़ों के धोखे पे मत जाइए। वो देखिए, वो रही आपकी साइकिल। ओ, तो वो भी यही है। बहुत चक्कर दिया उसने मुझे। जरा बुलाइए उस लाल कुर्ते वाली को। क्या करेंगे आप उसका? खुद देख लीजिएगा, गाल लाल कर दूंगा, चोटी उखाड़ के हाथ में दे दूंगा। जानती नहीं आप मुझे, मेरे गांव का राजनगर का रहने वाला, मेरे गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि गोपाल ने अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया है। बुलाइए उन्हें। क्या नाम है? रजनी। छी, कितना वाहियात नाम है। हमारे गांव में जितनी गवार और जाहिल लड़कियां हैं ना, उन लोगों का नाम ये सब रजनी खजनी खुजली खजली। किसका नाम बताया आपने? अपना? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। मेरा नाम तो रंजना है। रंजना। कितना अच्छा नाम है। मेरे गांव की सब अच्छी और सुशील लड़कियों का नाम यही होता है। मेरा मतलब आपके जैसे। ये रजनी कौन है? वो मेरी बहन है। बकवास है, बकवास है। आइए ना, मैं उससे मिलवाती हूँ। आइए आइए आइए। बहन साइकिल चोर। आओ बेटे, तुम्हारी साइकिल लेकर आई। हाँ। है, बुरा मत मानना बेटे, मेरी बेटी है ही शैतान। जी हाँ, मेरा मतलब है नहीं, जमाना ही ऐसा है। आओ बेटे अंदर आओ, आओ बेटे आओ बैठो। तुम्हारी शक्ल कुछ पहचाने से लगती है। आपने दादा को देखा होगा, मेरे बड़े भाई किशन मंदिर के पुजारी हैं, माधवाचार्य जी। ओहो, बैठो ना। तो तुम हमारे पुजारी जी के छोटे भाई हो? जी। गोपाल नाम है ना तुम्हारा? जी। पुजारी जी कैसे हैं? ठीक हैं। और तुम्हारी भाभी? आप सबको जानती हैं? जानती हूँ, हम तो पीढ़ियों से मंदिर के कर्ता धर्ता और ट्रस्टी हैं, और आप लोग मंदिर के पुजारी। और चौधरी रुद्रनारायण जी? वो हमारा कामकाज देखते हैं, एक तरह से घर के ही आदमी हैं। क्या हुआ? मुझे चौधरी साहब के तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हीं की वजह से मेरा और दादा का रोज झगड़ा होता रहता है। बेहतर है कि मैं चलता हूँ, यहाँ रुका तो उनको गाली दिए बगैर मैं नहीं रह सकता। अच्छा, अगर तुम्हारे कहने से या किसी और के कहने पर से मैं चौधरी साहब पर शक करने लगूं, तो क्या तुम मुझे कान का कच्चा नहीं कहोगे? तब क्या इज्जत रह जाएगी मेरी तुम्हारी नजरों में? बोलो, बैठो और गुस्सा छोड़ो, चाय पीकर जाओ। रजनी, जी
नमस्ते। ये आपके दांत कैसे टूट गए? क्या देखो जरा, टूटे कहाँ हैं? पूरे तो हैं। क्या बात कर रही हैं आप? आगे के दो दांत आगे देखिए ना। ये नए नए चौचे कहाँ से सोचते हैं तुझे? डॉक्टरी पढ़ के आई है और हरकतें देखो, आधे मरीज तो इसकी शरारतों से ही भाग खड़े होंगे। बड़ा फर्क है आपकी दोनों बेटियों में। दोनों? मेरी तो यही एक ही बेटी है। साड़ी और शर्ट का फर्क है। अरे अरे वाह, रसोई में कहाँ घुसे जा रहे हो आप? उस तरफ। Mucho tequila, amiga señorita, por favor. ¿Cómo está, amiga? ¿Cómo está y tu amor? No me sunita, no me sanguita, no me rita, Anita, señorita. Margarita, tomato, tomato, de esa tierra. Señorita, garam, garam, garma, garam, tequila. Señorita, garam, garam, garma, garam, tequila. Oh, 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 como está? Na to kajal hai, na to pali hai, na to saadi hai, ment dali hai, na to chudi hai, na to choti hai, bina choti ke लड़की खोटी है। झूठे फैशन का है ये नशा। मार्गरीटा टोमाटो टोमाटो जैसा चेहरा। सिन्योरीटा गरम गरम गर्मा गरम टेकीला। खुली बाहें ये खुली टांगे, जिस्म अपना ये खुद दिखाती है, कोई छेड़े तो उसमें आती है, रफ्तारने में फिर लिखाती है। खता इनकी हमको सजा। मार्गरीटा टोमाटो टोमाटो जैसा चेहरा। Señorita, garam garam garma garam tequila. Oh oh, oh oh, oh oh, como está? Margarita. Tu tu turu tu tu turu. Tu tu turu tu tu turu tu tu turu tu tu turu. Tur 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 tur. Dil ka bura jo insa ho, dekhega wo burai. Man ka sachcha jo ho acha, dekhega wo achhai. Nafrat chhodo, dil mein pyar basa lo. Ladki par buri nazar na daalo. Tur 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 tur.
ओम प्राणाय स्वाहा। लेकिन ये सब मेरे लिए ही तो है। श्री वेणुगोपाल सोमेनी नमः। बहुत नटखट हो गए हो कन्हैया, मंत्र विधि सब पूरे होने चाहिए कि नहीं? महानैवेद्यम समर्पयामि। चलो अब खाओ। बड़े गुस्से में हूं। वो तुम्हारा गोपाल रास्ते पर आया कि नहीं? उसकी छोड़ो, अगर तुम मंदिर का कुछ नहीं करोगे तो मैं भी उसी के रास्ते पे चला जाऊंगा। अरे अरे, किसी ने कुछ कह दिया क्या? मेरा मुंह मत खुलवाओ कन्हैया। जरा बाहर जाके देखो मंदिर की क्या दशा हो रही है। कलश कैसे झुक गया है, ना वस्त्र भूषण का ठिकाना है ना रथ का। सारे लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। पर माधव, सारा संसार जानता है मैं लक्ष्मी का पति हूं, धन की देवी का। मुझे भला दिखावे की क्या आवश्यकता? तुम्हें हो कि ना हो, हमें तो है। धनम मूलम इदम जगत। लोगों की श्रद्धा वही होती है जहां साथ सजावट बड़ी होती है। लोग वही पूजन को जाते हैं, समझते नहीं? अच्छा, जो भी मान सम्मान है वो सभी इसी इमारत का है, मेरी अपनी कोई कीमत नहीं है। पाही माम, अब बात बदलने की कोशिश मत करो। पहले ये बताओ, रुपए पैसे का बंदोबस्त करवाते हो कि नहीं? तो तुम मंदिर के कर्ता धर्ता से कहो ना। अब चौधरी जी क्या करें, फिर भी बेचारे भागे भागे गए थे ठाकुरान जी के पास रुपए पैसों की बातचीत करने। बेचारे तुम्हारे चौधरी क्या क्या कष्ट नहीं उठाते हैं रुपयों के लिए। मालिक ने तो 3-3 रुपए देने के लिए कहा था, लेकिन मैं 5-5 दे रहा हूं। चलो निकालो अंगूठा और लगाओ यहां। हाँ, और खाते में लिखा है 10। अब अगर मालिक या खुद मैं तुमसे पूछूं कि कितने रुपए मिले हैं तो कहना 10। मगर ये रुपए मिल क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी मूछें बहुत खूबसूरत हैं इसलिए। चल, चल। हाँ। और ये रहा आज के अम्या अम्या खाते का लाभ। छोटे मालिक, आप कब पधारे? ये लोग कौन थे? ये स्कूल मास्टर हैं। आज वो तनख्वाह बांटी है ना। स्कूल मास्टर क्या अंगूठा लगाते हैं? आप हमारी समस्या क्या जाने बीरेन बाबू, पढ़े लिखे लोग ज्यादा पैसा मांगते हैं। अगर किसी सरकारी अफसर को पता चल गया ना तो आपके साथ साथ पिताजी को भी पकड़ कर ले जाएंगे। स्कूल मास्टर तो पढ़े लिखे होते हैं, दूसरों को पढ़ाते। अरे बहुत अच्छा, बचा लिया मुझे। अंगूठा छाप स्कूल मास्टर। अरे बीरेन, मेरे बच्चे, कैसा है तू? बिल्कुल अच्छा बीरेन बाबू। इस साल भी पास हो गए कि नहीं? मुझे क्या पता। अरे ये क्या कर रहे हो, आते ही मेरे बेटे के पीछे पड़ गए। थक के आया है, थोड़ा खा पी लेने दो, थोड़ा सुस्ता लेने दो। अरे कब तक सुस्ताता रहेगा ये? तुम्हें क्या पता मैं कितनी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। पिछले 3 साल से जिला परिषद वालों को अटका के रखा हुआ है कि यहाँ का अस्पताल तभी खुले जब ये गधा डॉक्टर बनकर आ जाए। यानी कि 3 साल से मेरे बेटे के लिए तुमने अस्पताल बनना रोक के रखा है। धन्य हो, कितना चाहते हो अपने बेटे को। जाने की बात नहीं है मूर्ख, सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए की ग्रांट मिलने वाली है इस अस्पताल के लिए। अगर कोई दूसरा डॉक्टर इंचार्ज बनकर आ गया तो उस 2.5 लाख में से 2.5 रुपए भी हमारे हाथ नहीं लगेंगे। फिर तो मैं अपना हीरो का हार अपने बेटे से ही बनवाऊंगी। तुम तो फिलहाल मेरे लिए एक सोने का ही बनवा दो। चुप। मैंने क्या बुरा कहा? जब तुम स्कूल के सरकारी पैसे से अपने बेटे को शहर में पढ़ा सकते हो तो मैं अस्पताल के सरकारी पैसे से अपने लिए गहने क्यों नहीं बनवा सकती? हाँ। अरे भाग्यवान, वो दिन तो आने दो तुम्हें गहने। क्या है मुंशी?
जी ये सामान है मालिक, बीरेन बाबू का है। तो यहाँ खड़े बातें क्यों सुन रहे हो, जाओ यहाँ अंदर। जी जी मालिक जी। 2,50,000 रुपया सरकार का। अरे मर गया रे। आज कौन सा बुरा काम किया है तुमने जो टपक गए? आपके होते मालिक मैं भला क्यों बुरे काम करूंगा। आई, आई। तो फिर ये फूल कैसे उगाए तुम्हारी झाड़ी में? हा? मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, कसम कद्दू की। ठीक है जाओ यहाँ से। ये राम जी किशन जी की जगह तुम कद्दू की कसम क्यों खाते हो? वो मालिक की अम्या अम्या है मालकिन। क्या मतलब? मतलब ये है। मतलब कुछ नहीं, तुम जाओ अंदर और मुंशी जी तुम बाहर। जो आ गया प्रभु। मालिक वो पुजारी जी आकर बैठे हैं बाहर। पुजारी जी? पुजारी किस लिए आया? पूछ रहे हैं कि ठकुराइन जी ने मंदिर की मरम्मत के लिए कितने पैसे दिए हैं। कुछ नहीं दिया उन्होंने, जाके कह दो उसे। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि उन्होंने पूरे के पूरे 10,000 मंदिर के लिए दे दिए। चुप। पुजारी जी से जाकर कहो जी कि मैं 50 अपनी तरफ से दे रहा हूँ, फिलहाल चूना उना लगवा कर काम चला लो। जो आज्ञा प्रभु। मालिक। अरे अब क्या है? 50 100-100 के नोट या 10-10 के? अबे एक एक के। ठीक है एक एक के 50 नोट। हाँ। मालिक हाँ। दे दूं या दे देने का वादा कर दूं? अभी तो वादा कर दो जी, बाद में देखेंगे। प्रभु बहुत बदमाश है, बीच में से अपना अमिया अमिया काट लेगा। श्रीमान जी ने क्या कहा? कहा 50 रुपए देंगे। बस 50 रुपए? हाँ। यहाँ आइए आइए आइए। अगर मुझे अमिया अमिया मिल जाए तो मैं रकम बढ़वा सकता हूँ। ये अमिया अमिया क्या है? मतलब मुझे कैसे फायदा होगा? क्यों, मैं अभी मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको संतान का सुख प्राप्त हो। महागुरु हैं आप पकड़ में नहीं आएंगे। आप जाइए, मालिक अंदर आराम कर रहे हैं, आप जाइए। ये लो, इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारी आखिरी चूड़ियां हैं। तो क्या हुआ, उसी की दी हुई चीज उसी के काम आएगी, तो इससे बढ़कर सौभाग्य की और बात क्या होगी? अगर थोड़े बहुत पैसे श्रीमान जी से मिल जाते तो ये करना ना पड़ता। जैसी प्रभु की इच्छा। जयराम जी की नई चूड़ियां बनवा रही हैं? हाँ, बनवाना तो नेकलेस था, लेकिन इन्होंने कहा वो बाद में बनवा लेना, अभी चूड़ियां बनवा लो। उधर मेरी भाभी अपनी आखिरी चूड़ियां भी बेच रही हैं। क्यों क्यों क्यों? आपके पतिदेव सम्माननीय चौधरी साहब, गांव के सरपंच, जिन पर मंदिर की पूरी जिम्मेदारी है, उन्होंने मंदिर की जरूरी मरम्मत के रुपए भी देने से इनकार कर दिया। रुपए हैं कहां भैया, ये चूड़ियां तो उधार में बन रही हैं। उधार में? बहाने छोड़ो चौधरी और 3,000 रुपया निकालो। अरे भाई कहां से दे दूं, होने भी तो चाहिए रुपए। ओहो, वो कौन सा तुम्हारे पैसे मांग रहा है, जो ठकुराइन ने दिए है ना उसी में से दे दो। ठकुराइन ने? कब दिए ठकुराइन ने? बड़े भुलक्कड़ हो गए हो, तुमने तो कहा था कि ठकुराइन ने वो सारे के सारे पैसे। हाँ, याद आया, मैं तो भूल ही गया था। इधर ठीक है दे दूंगा 100-200। पूरे 3,000? अरे भाई कोई जबरदस्ती है, कोई कर्जा चुकाना है मैंने? कर्जा तो तुम्हें पूरे गांव का चुकाना है चौधरी, सबका हिसाब निकालूंगा तो कसम कद्दू की। है, है? ये भी कद्दू की कसम खा रहा है? ए जी, हुआ क्या है इन सबको? अरे कुछ नहीं, जाओ तुम, जाओ अपनी चूड़ियां पसंद करो, जाओ। ठीक है हो जाएगा। पूरे 3,000 रुपए और वो भी फौरन, इससे पहले के दादा का सामान लाला की पेड़ी पे चढ़ जाए, सारा रुपया दादा के पास पहुंच जाना चाहिए। हाँ। वरना कसम कद्दू की। गुंडागर्दी और समाज सेवा में क्या फर्क होता है जानते हो? जो अपने लिए की जाती है वो है गुंडागर्दी, और जिसमें दूसरों का भला हो, सारे समाज का भला हो, उसे कहते हैं समाज सेवा। फिर तो मैं वही कर रहा हूँ। इस तरह? अरे ये भी कोई तरीका है। देखो इतना तो मुझे पता है, जब सीधी उंगली से घी ना निकले
तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। बहस नहीं, जो कहा है उस पर सोचना। अच्छे कामों का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। हाँ प्रणाम पुजारी जी, प्रणाम। कृष्णार आपको लाख लाख प्रणाम। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं श्रीमान जी? इस अधम पापी को क्षमा का दान दे दीजिए बस। पर हुआ क्या श्रीमान जी? जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। दोपहर में मेरी आंख लग गई और साक्षात भगवान मेरे सपने में आए। शुभमस्तु शुभमस्तु। बहुत बहुत डांटा मुझे भगवान ने। बोले, अरे चौधरी, तेरी अकल क्या घास चरने गई है? मेरा भक्त अपनी पत्नी के गहने बेच रहा है और तू पड़ा सो रहा है? पहले तो आप ये रुपए लीजिए, पूरे 3,000 हैं। धन्य है आप श्रीमान जी, आप पर प्रभु की कृपा होगी। अभी तो प्रभु की गालियां पड़ी है। बोले, मेरे माधव का भाई बिगड़ रहा है और तुझे अपने बेटे की ही चिंता है, गोपाल की नहीं? ये प्रभु ने कहा? और नहीं तो क्या, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। स्वामी जी ने आज्ञा दी है कि गोपाल को पढ़ाई के लिए शहर भिजवा दो। जब तक बीरेन डॉक्टर बने, गोपाल को भी कंपाउंडर बन जाना चाहिए, ताकि दोनों मिलकर यहाँ खुलने वाले अस्पताल को संभाल सके। ये लीजिए 3,000। चौधरी का बच्चा, साला चोर, उस हरामी के सपने में कद्दू की जगह भगवान कैसे नजर आने लगे? यानी कि चाचू, तुमको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। अबे जाबे, मैं क्या उस चौधरी से कम नट किया हूँ? नहीं चाचू, नहीं। छोड़ मुझे, चाचू। छोड़ दे गुड्डू, मत रोक मुझे गुड्डू। भूल जा के तेरा कोई चाचा भी था। और अगर रात को नींद नहीं आए तो भाभी के पास सो जाना। और अगर चॉकलेट पकड़े चाहिए तो चौधरी जी से ले लेना। अच्छा भाभी, चलता हूँ। दिल छोटा मत करो भैया, तुम्हारे भले के लिए ही भेज रहे हैं। हाँ हाँ, मुफ्त का जो खाता हूँ, ढेला कमा कर नहीं देता। सो अच्छा ही है, घर से निकाल बाहर, करो छुट्टी। गोपाल, मैं चौधरी पर या भगवान पर बोझ थोड़े ही था। मैं तो भगवान जैसे अपने दादा पर बोझ था, जो अपने मुरली मनोहर से भी ज्यादा प्यार इस नालायक भाई से करते थे। अच्छा, वही मुझसे नफरत करने लगे तो फिर अर्थ क्या रहेगा इस जीवन का? चलता हूं। गंगा मैया तो शरण दे ही देगी इस पापी। नहीं चाचू, तुम मरना नहीं। छोड़ दे मुझे गुड्डू, छोड़ दे। अच्छा दादा, नहीं गोपाल, नहीं, तू यही रहेगा मेरे पास। तू अगर मुझे छोड़ के चला गया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा कन्हैया मेरा मंदिर छोड़ के चला गया है। तू कहीं नहीं जाएगा मेरे भाई, कहीं नहीं जाएगा। मुझे कभी अपने से अलग नहीं करना दादा, कभी अलग नहीं करना। नहीं चाचू, नहीं जाना। अरे तू तो धोखनी की तरह हाँप रही है बिमला, जरा सुस्ता ले। मालिक की कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है, इतना सारा बोझा सर पे उठाया हुआ है। रख दे, नीचे रख, नीचे रख कद्दू। अरे ये तेरे गाल पर निशान कैसा है? इधर आ, इधर आना। अरे अंदर आना, अच्छी तरह से देख। हरि ओम हरि ओम। अरे किसका पड़ा है यहाँ कद्दू? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दर्शन कर रहा हूँ आपके और इनके। कौन है ये सुंदरी? मेनका जैसे बाल, रंभा सी चाल, कहीं आपका एकांत तो भंग नहीं किया? एकांत ससुरा है कहां इस गांव में। सत्य कहते हैं श्रीमान जी, सत्य। जिस तरह कृष्ण भगवान भी अनेक गोपियों के होते हुए भी हर एक को एकांत का सुख, एकांत का वरदान दे सकते थे, श्रीमान जी भी एकांत का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेते हैं।
अपने भाई का कुछ किया आपने? जा रहा है वो इस गांव से कि नहीं? कहां श्रीमान जी, वो पाजी ऐसी ऐसी बहस करता है कि पूछिए मत। अरे वही तो पूछ रहा हूँ। एक नंबर का नालायक है। कहता है कि मूछ अकेले पर ही श्रीमान जी को दहक आ रही है। गांव में तो बहुत से लड़के भटके हुए हैं, श्रीमान जी का सभी को सुधारेंगे। क्या? क्यों नहीं, सरपंच हूं गांव का, गांव के लड़कों का भला सोचना मेरा कर्तव्य है, ध्येय है। वो तो कहता है सब मिला के 11 लड़के हैं, 11 पंचे 55, यानी के 5,500 रुपए एक एक लड़के को देने पड़ेंगे गांव से भेजने के लिए। बेवकूफ समझता है मुझे वो गधा। मैं तो कहता हूँ एक पैसा खर्च मत कीजिए आप, पड़ा रहने दीजिए कमबख्तों को यहीं, करने दीजिए धमा चौकड़ी। अरे पुजारी जी सुनिए तो, अगर मैं 5,500 रुपए का खर्चा कर दूं, तब तो आपका भाई चला जाएगा ना गांव से। यानी आप 5,500 रुपए अपनी जेब से खर्च करेंगे सिर्फ उस गोपाल को गांव से निकालने के लिए? अरे भाई सरपंच हूं गांव का, ये गांव के बच्चों की भलाई का सवाल है। साले चौधरी, तुम अपने पैसों का लालच देकर मुझे गांव से निकालना चाहते हो? हराम खोर, मैं जिंदगी भर तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। पुजारी! अरे हट पुजारी! और सुन, इस बात का अगर दादा को पता चल गया ना, तो कद्दू की कसम तेरा ये कद्दू फोड़ दूंगा। प्रणाम करती हूँ पुजारी जी। मैं रजनी हूं। जानता हूं तुम्हीं से बात करने आया हूं। मुझसे? गोपाल के बारे में। तुम यहां उससे मिलने आती हो, वक्त बेवक्त घूमती फिरती हो, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? जवान जहीन लड़की हो, उस नालायक का क्या है? वो तो मर्द है, उसका क्या बिगड़ेगा? सारा गांव जानता है कि वो एक नंबर का आवारा गुंडा है। तो आपने क्या किया उसे सुधारने के लिए? वो कोई सुधारने की चीज है? कोई उसे सुधार सकता है? तुम उसे सुधार सकती हो? सुधारने की कोशिश तो कर सकती हूँ। अच्छा चलो, हो गई तुम्हारी कोशिश कामयाब, उसके बाद? मतलब तुम एक बड़े घर की लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, और कहा वो एक गरीब पुजारी का भाई, तुम कौन सा उसका जिंदगी भर साथ निभाओगी? ये छोटा बड़ा अमीर गरीब तो मैं मानती नहीं, रही बात जिंदगी भर साथ निभाने की, तो जब उसकी नौबत आएगी वो भी निभा दूंगी। तो समझ लो वो नौबत आ गई। तुम झूठे लुच्चे इतनी बेईमानी ना करता तो तुम्हारे दिल की बात निकलवाते, सदियां बीत जाती। वैसे मैंने तो शॉर्टकट मारा प्यार में। प्यार? और वो भी धोखे से? धोखा? वो भी प्यार में? बदमाश।
जमीन देखे हसीन कहीं ऐसा रूप नहीं देखा। पहली बार मेरे दिल ने खींच ली तो नजारे की नाज़नीन देखे हसीन कहीं ऐसा रूप नहीं देखा। पहली बार मेरे दिल ने खींच ली तो नज़ार की एका। कसम तूने खाई कसम मैंने खाई प्यार पे लुटाएंगे दिल छुआ दिल छुआ ऐसे फूलों के लबों को छुए बुलबुल जैसे। अबे ऊ नहीं बे उल्लू के भतीजे, न में ई की मात्रा। नी, र, ज, नी। चाचू इसका मतलब क्या हुआ? च में आ की मात्रा चा और च में ई की मात्रा ची। चा ची, यानी कि तुमने चाची ढूंढ ली। चाचा बोबली है। कौन? यही चाची। ए चुप, शुप शुप बोल। मुझे लगा पहले आप नाम बता रहे अब शकल। अरे वाह, बहुत खुश दिखाई दे रहे आज दोनों चाचा भतीजा। पढ़ाई चल रही है कि गप्पे? पढ़ा तो रहा हूँ भाभी। ए लिखा कि नहीं? मैं इसे तारक मंत्र सिखा रहा हूँ। हाँ माँ, आजकल चाचू यही जपते रहते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तेरे दादा भी तुझसे खुश है कि आजकल तू घर पे रहने लगा है, दोनों वक्त का खाना ठीक से खाने लगा है। जरूर तेरे मन में भगवान आबिराजी हैं। वो तो कह रहे थे बहुत जल्द प्रायश्चित संस्कार संपन्न करेंगे, फिर तुझे मंदिर में ले जाकर अपनी ही तरह पूजा पाठ करना सिखा देंगे। त्राही माम, त्राही माम। अब एक इच्छा भैया मेरी भी पूरी कर दे, बहू ले आ इस घर में ताकि मैं भी अपने हाथ पांव जरा ढीले छोड़ सकूं। ये किया तुमने चाचा के मन की बात माँ। माँ यही है वो तारिक मंत्र जो चाचा जपते रहते हैं। रजनी, वो कौन है गोपाल? जी वो कोई नहीं भाभी। कोई कैसे नहीं, चाची है माँ, चाची। सच? ये बड़ा अच्छा किया तूने कि खुद ही ढूंढ ली। अच्छे खानदान की हो, हमारी जात बिरादरी की हो,
बस हमें और क्या चाहिए। दो प्यार करने वालों के बीच क्या काम है इनका, ये जात पात ऊंच नीच। भाई भाभी ना मैं उन्हें समझा सकता हूं और ना ही उनका दिल दुखा सकता हूं, लेकिन ये मेरी जिंदगी है, हमें शादी करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर मेरी मां के बारे में सोच रहे हो तो ना तो उन्होंने कभी मेरे फैसले पर एतराज किया है ना ही आगे करेंगी। फिर ठीक है तो चलो पहले उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। आज तो अमावस है। मेरे सामने तो पूनम का चांद खिला है, मैं कैसे मान लूं कि आज अमावस है। मैं कह रही हूँ इसलिए, कल अच्छा दिन है, कल सोमवार भी है एकम भी है, सुबह 7 और 7:30 बजे के बीच घर आ जाना। क्यों, उसके बाद फिर मुहूर्त खराब है। ओए चुप, ये क्या पागलपन है। आज मेरा जन्मदिन है गोपी। ओ हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स। अरे तुम्हें यहाँ लाने के लिए हमने कितना जोखिम उठाया मालूम। प्लीज तुम्हें आज हमारे साथ यहाँ पे खाना पीना होगा। मेरा इन सब चीजों से दिल भर चुका है। थैंक यू गोपाल। प्लीज मैंने तुझे कितनी बार इस बार बुलाने की कोशिश की, कितनी बार संदेशा भी भेजा कि तू सिर्फ एक बार यहाँ आ जा, आखिर तू क्यों मुझसे दूर भाग रहा है। मैं तुमसे नहीं इस माहौल से दूर जा रहा हूं। सच्ची खुशी इन सब में नहीं मिलती दोस्त। मुझे जिंदगी की सही खुशियों का एहसास हो चुका है, बस मैं किसी की खातिर ये सब छोड़ के नहीं जा रहा हूं। ओके गोपाल प्लीज आज के लिए सिर्फ एक बार मेरी खातिर। मैंने कहा ना मान जाओ गोपाल प्लीज। मैंने कहा ना नहीं दोस्तों की खातिर प्लीज यार। अरे तुम्हारे बिना ये पार्टी फीकी लगेगी मेरे दोस्त। और आज के बाद हम तुम्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे। नहीं। उधर उसके भाई भाभी का भी वही हाल होगा। कुल और जात के बाहर विवाह की बात सुनने से उनके दिल पे कैसी चोट लगेगी इसका भी अंदाजा है तुझे। अरे उनका श्राप लगेगा तुझे भी और मुझे भी। उनका तो पता नहीं माँ, लेकिन फिलहाल तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें ही ज्यादा चोट पहुंच रही हो। ठीक है, जिसने मुझे जन्म दिया उसे तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। जो दुख सहना होगा मैं खुद ही सह लूंगी। रजनी पर याद रखना माँ, इंसान के पास सिर्फ एक हृदय होता है और हृदय का बंधन भी एक ही बार बन सकता है। मेरी शादी तो हो चुकी, अब कोई और रिश्ता ढूंढकर मुझसे दूसरी बार शादी करने के लिए मत कहना। ऐसी कड़वी बातें मत बोल बेटी, मेरा तो जीवन भी तू है, आशा भी तू ही है। तुझे तकलीफ पहुंचाकर क्या मैं जी सकती हूँ माँ। अगर तूने तय कर ही लिया है तो मैं इसमें बाधा नहीं बनूंगी, पर अकेले मेरी मंजूरी से काम नहीं चलेगा बेटी। भगवान न करे कल को किसी वजह से ये रिश्ता न हुआ तो। और कोई बाधा होगी ना माँ तो वो संभाल लेंगे। बस तुमने हाँ कर दी यही बात है। सचमुच माँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू माँ। थैंक यू। हाँ बात किया मधुशाला की, गलियों का सैर सपाटा, टिए टिए टाटा, अच्छा भाई बाय बाय।
सोचा नहीं पीछा आगा लड़कियों के पीछे भागा मैं अनाड़ी मैं अभागा किसी ने तो दिल जोड़ा किसी ने तो दिल तोड़ा किसी ने तो रास्ता मोड़ा कहीं का मुझे न छोड़ा hey, अभी तो है तोरी बाली उमरिया काहे को लचकाए ऐसे कमरिया अभी तो है तोरी वाली उमरिया काहे को लचकाए ऐसे कमरिया मत न लड़ाओ हमसे नजरिया पड़ जाएगा घाटा टीए टीए टाटा अच्छा भाई 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 ए टीए टीए टाटा अच्छा भाई 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 याद आ गए फिर वो चेहरे रंग सुनहरे अंग सुनहरे जिनके लिए आवारा ठहरे डूब गए थे कितने गहरे हसीना ऐसे एक आई जो मेरे दिल पे है छाई उसी का हो गया आशिक जो दिल पहले हार जाई वफा की है वो एक देवी नई जो जिंदगी लाई उसी के वास्ते मैंने सभी की बात ठुकराई उसी ने दिल पे मरहम रखा और सभी ने काटा टीए टीए टाटा अच्छा भाई 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 टीए टीए टाटा अच्छा भाई 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 बर्बाद किया मधुशाला की गलियों का सैर सपाटा टीए टीए टाटा अच्छा भाई 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 टीए टीए टाटा वो गोपाल वो उस ऊंचे पवित्र कुल पर कलंक है एक नंबर का शराबी जुआरी कहीं कोई औरत अकेले में उसके सामने आ जाए ना बहन जी बस यूं समझिए कि लुट गई उसकी इज्जत उगल लिया सारा जहर या और भी बाकी है अरे बेटी उस बदमाश की तारीफ के लिए तो हजार जुबानें भी कम पड़ेंगी आपने दो जबानों से इतना कह दिया हजार होती तो जाने क्या कहते रजनी इस तरह बातें करते हैं बड़ों से ये बड़े हैं कहाँ से माँ मेरे होने वाले पति पर झूठे लांछन लगा रहे हैं जबकि ये सारे गुण खुद इन्हीं के हैं सुना बहन जी ये सब कुछ मैंने सहा है आपकी खातिर आपकी खातिर नहीं आपकी संपत्ति की खातिर रजनी ये ख्वाब भुला देना चौधरी चाचा क्योंकि अगर तुमने मेरा ये रिश्ता बिगाड़ भी दिया तो भी तुम्हारे बेटे से शादी मैं जीते जी नहीं करूंगी चुप कर रजनी और अपने कमरे में जा नहीं बहन जी रुको बेटा मेरी बातें झूठी ही सही लेकिन अपनी आंखों से देखोगी तो मान लोगी ना Thank you.
रजनी, रजनी, रजनी दरवाजा खोलो। रजनी पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद चाहे जो फैसला करना है करो। मेरी बात सुनो रजनी, 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 रजनी। बहुत हुआ बेटे, अब बस करो। मुझे मुझे एक सफाई का मौका नहीं देंगे। मैं तुमसे बड़ी हूँ, फिर भी हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ तुमसे। फिर कभी इस तरफ मत आना, कभी मत आना। सुनो, पुलंगर, पापी, नीच, अधर्मी, बस बस नालायक, बस भी छोड़ो। कितना मारोगे बेचारे को? अरे इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूँ तो भी कम है। वो तो भला हो श्रीमान जी का, जितने समय रहते रोक लिया, वरना इस कुलंगर ने तो मंगलसूत्र पहना दिया था उस बेचारी लड़की के गले में। जरा सोचो, कहां वो लोग और कहां हम, कहां उनकी जात, कहां हमारी। दस दस पीढ़ियों से हम दोनों के वंश अकलंकित है, अपने अपनी तरह से परमात्मा की सेवा करते आ रहे हैं। हे भगवान, कि अगर ये अनर्थ हो जाता तो मेरे लिए तो बस सिर्फ एक ही मार्ग बचता था, जाके छलांग लगा देता कुएं में। हे भगवान, तो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? तू भी कह दो इसे कि अपना कोई बंदोबस्त कर ले, वरना बाकी जीवन मंदिर में परमात्मा के चरणों में बिता दूंगा। नहीं। लेकिन इस पापी के साथ इस छत के नीचे नहीं रहूंगा मैं। नहीं, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा मैं। सुनिए गोपाल, गोपाल जाके मना ले अपने दादा को, पाँव पकड़ ले उनके, वो जरूर तुम्हें क्षमा कर देंगे। इतना हट मत कर गोपाल, उनसे माफी मांगने से तू कोई छोटा नहीं हो जाएगा। छोटा तो मैं हूं ही भाभी, और दादा के चरणों में माथा टेक कर मैं बड़ा ही हूंगा। वो तो महात्मा है, जब भी मैंने क्षमा मांगने का नाटक किया तभी उन्होंने मुझे क्षमा दान दे दिया। पर माफी मांगू किस बात की? उस बात की जिसे मैं भूल मानता ही नहीं। भाभी, रजनी को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला करके ना मैंने कोई पाप किया है और ना ही आना चाह रहा। गोपाल सुन तो। मेरी चिंता नहीं करना भाभी, बस मेरे देवता स्वरूप दादा का ख्याल रखना, संभालना उन्हें। गोपाल, गोपाल, तुम्हारे भाभी का रो रो के बुरा हाल है। तुम्हारे भैया गुमसुम हो गए हैं, चौधरी ने मौका देकर गहरी चोट की है। तुम दोनों भाइयों को मिलाने की जगह उसने पुजारी जी के मन में और जहर भर दिया है। तुम दोनों की संपत्ति का वो बंटवारा करना चाहता है। संपत्ति है कहां गुरुजी जो बंटवारा होगा? सारी तो चौधरी के पास गिरवी पड़ी है। हाँ, वो सिर्फ तुम्हारा घर था, अब चौधरी चाहता है तुम्हें उस घर में कोई हिस्सा न मिले और तुम अपने पुराने पुश्तैनी घर में चले जाओ, जो कि एक सिर्फ अब खंडहर है। इतना कमीनापन कोई कर सकता है? चौधरी के लिए ये कमीनापन बहुत छोटा है गुरुजी। उसके कारनामों में मुझे भी एक हिस्सा बटाना है। उसने मुझे भेजा है तुम्हारे दस्तखत लेकर आने को। जल्दबाजी से काम मत लो गोपाल, चलकर अपने भाई से माफी मांग लो। मैं जिस बात को गलत नहीं समझता उसके लिए माफी नहीं मांग सकता। लीजिए जजमान, मैंने अपना काम कर दिया, अब दान दहेज लेन देन ये सब तो आप लोग आपस में ही तय कर ले मिठाई खाकर। कैसी बातें करते हैं पुरोहित जी, 80 लाख की हमारी अचल संपत्ति है, व्यापार अलग से, ये सब मेरे इसी बेटे का तो है। हमें दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छा खानदान हो, सुशील सुंदर कन्या हो, हो गया। लीजिए, अरे साक्षात लक्ष्मी ही तो पधार रही है मिठाई खाकर। ये लड़की मशहूर लैला है, वो गोपाल नाम का मशहूर गुंडा है ना, वो मजनू है इसका। जबान को लगाम दीजिए कुंवर। अरे आप कैसे किसी उछाल रहे भली कन्या पर? भली कन्या ये? अरे शहर तो शहर, सारे जिले में मशहूर है इसकी और उस आवारा गोपाल की रंग रैलियां। कह दे ये, कह दे ये भगवान की कसम खाकर कि इसका उस बदमाश के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं बताती हूँ बेटे, ये ठीक है कि हम लोग उस लड़के को जानते थे, रजनी घूमने फिरने भी गई थी उसके साथ, लेकिन देखिए ये गोल गोल बातें आप हमसे मत कीजिए।
जानते थे, घूमने गई थी। अरे तो क्या बहन भाई की तरह घूमते थे दोनों साथ साथ? बोलो। शर्म करो पुरोहित, दक्षिणाएं चाहिए थी तो हमसे मांग के ले लेते, भीख समझ के देते थे तुम्हें। उनसे चार पैसे ज्यादा कमाने के लालच में नाली की गंदगी उठाकर हमारे मुंह पे मल दोगे तुम। खबरदार, अगर दोबारा हमारी तरफ कदम भी रखा ना तो जूतों से खबर लूंगा तेरी, समझे? चलो बेटे, कोठे पे लाके खड़ा कर दिया था कमबख्त ने। मत मारी गई थी मेरी, जो झूठ बोल के ब्याह कराने निकल पड़ा, अच्छे जूते खाने पड़े, मिठाई खाकर। अब सच बोलकर आप करवा लेना अपनी बेटी का ब्याह, अगर कोई मिल जाए जैसी को तैसा, नहीं तो घर पे बिठाए रखना जिंदगी भर। और भगवान के लिए अब किसी और भले मानस को इस नरक में मत घसीटना मिठाई खाकर। जयराम जी की कान पकड़े, जो दोबारा कभी ऐसा रिश्ता कराया तो। सुन लिया है मैंने बहन जी, सब सुन लिया है। ये सारा जहर उस कमीने गोपाल का फैलाया हुआ है, उसकी दाल नहीं गली ना, इसलिए गली गली झूठी बदनामी करता फिर रहा है हमारी रजनी बिटिया की, ताकि झक मार के थक हार के उसी के साथ ब्याह कर दे रजनी बिटिया का। अरे किसी भिखारी के साथ ब्याह कर देंगे अपनी बिटिया का, लेकिन उस लुच्चे लफंगे के साथ बिल्कुल नहीं। ऐसा अपमान सहना भी लिखा था मेरे भाग्य में, बहुत हुआ भाई साहब, बहुत हुआ। अब तो आप जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर अपने बीरेन से ही ब्याह करा दीजिए रजनी का, वरना मेरा कलेजा तो यूं ही धू धू करते जलता रहेगा। क्या हुआ भाई साहब? बात यह है बहन जी, मैं तो बहुत इज्जत करता हूं आप लोगों की, भगवान जानता है, लेकिन क्या है कि बीरेन की मां राजी नहीं होगी इस रिश्ते के लिए। दरअसल बीरेन ने भी रजनी के बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें सुन रखी है ना, तो क्या फायदा, मैं बात भी करूं और ना भी सुननी पड़े, इससे तो और भी तकलीफ होगी मुझे। बेटी, माँ, माँ, क्या हुआ माँ? माँ, 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 हे राम, ये कैसी लीला है तेरी परमात्मा, ये कैसा न्याय है तेरा, उस देवी जैसी साध्वी नारी को उठा लिया तूने। पाप किया है तुम्हारे उस अधर्मी देवन ने, और सजा मिली उस सन्नारी को, उसकी निर्दोष बेटी को। स्कूल जाने की बजाय आवारा गर्दी कर रहा है, कहाँ से सिखाई है सब? क्यों तुम पत्ते नहीं खेलते, सिगरेट नहीं पीते? पहले अपना देखो फिर दूसरों को कहो। साले अफसरों को शहर में कोई काम होता नहीं, दफ्तर में बैठे बैठे कब्ज हो जाती है, इसलिए हवाखोरी करने के लिए चले आते हैं यहाँ मुआयने का नाम लेकर। मालिक, अरे जब मैंने गांव के सरपंच ने अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट भेज दी है कि स्कूल अच्छी तरह से चल रहा है, तो क्या जरूरत है उनको यहाँ आने की? जी बिल्कुल। देखो मास्टर, वो आज बड़े अफसर आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन आ रहे हैं हमला करने के लिए, तुम जरा खेल अच्छी तरह से जमा कर दिखाना। मुझे क्षमा करे, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या? मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इस्तीफा देना है तो कल देना, आज मुआयना है। हाँ, इसीलिए तो आज इस्तीफा दे रहा हूँ। भौंकना बंद कर और अंदर जा। आपका धूमछल्ला नहीं बनूंगा मैं, गली में भीख मांग लूंगा। तथास्तु। और देखो, झूठ नहीं बोल सकते तो मत बोलना, मगर कम से कम सच मत बक देना। अरे मुंशी,
जी प्रभु। मैं इसी वक्त तुझे मास्टर नियुक्त करता हूँ। महाप्रभु, इतना घटिया काम आप मुझसे क्यों करवाते हैं? मैंने पहले ही 3 अध्यापकों का प्रबंध कर दिया है। वो रहे वो गुंडे। अरे पहलवान, मुझे नीचे कर, बाजू नीचे कर, कपड़ा उतार सर से। अरे आ गया ससुरा। खबरदार, कोई मुंह मत खोलना अधिकारी के सामने, वरना चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। चल। वेलकम वेलकम, धन्य भाग हमारे जो आप पधारे। नमस्कार। थैंक यू। ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है। आइए अपने स्कूल की तरफ चलते हैं। यही तो है स्कूल। ये स्कूल जी, चबूतरा और गली के बीच में, इसे स्कूल कहते हैं। खुली हवा और उजाले के लिए कक्षाएं यही चलाई जाती है प्राकृतिक वातावरण में। लेकिन आपकी रिपोर्ट के मुताबिक तो इस स्कूल में 144 विद्यार्थी पढ़ते हैं। अजी, इससे भी अधिक हैं, पर आ नहीं रहे हैं आजकल, बीमार पड़े हुए हैं ना। वो खसरा निकलती है ना बच्चों को, खसरा वही निकली हुई है। ऐसे, और बड़े? हुजूर से बड़ा और कौन है? हुजूर का मतलब अध्यापकों से है। हुजूर, वो क्या है कि बड़ी मुश्किल से सिर्फ 3 ही जमा कर पाया हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि इस वक्त फिलहाल 3 ही हैं। अगर हुजूर हुकुम करेंगे तो और मंगवा लूंगा। नहीं नहीं नहीं, बस इतने ही काफी है। तो फिर घर चले, गर्मा गर्म गोभी के पराठे, बूंदी का रायता। तो अध्यापक हैं आप लोग, कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं आप? मैं पूछ रहा हूं, कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं? मौन व्रत रखा है क्या? हुजूर, तेल में मिलावट थी ना, वड़े खाए थे ना उस तेल के, इसलिए गला बैठ गया। अरे इसमें डरने की क्या बात है, कह दो ना चौथी कक्षा के टीचर हो। डरता नहीं हूँ, चौथी कक्षा का चीटर हूँ। अच्छा अच्छा, और आप किस कक्षा के चीटर हैं? ये हिंदी के पंडित हैं, सभी कक्षाओं को पढ़ाते हैं, और ये खेल कूद के मास्टर हैं। ओहो, आप हर्षवर्धन बोल सकते हैं पंडित जी। आप बच्चों की जांच करने आए हैं, अध्यापकों की पूछताछ करना ये सब ठीक नहीं है। क्यों क्यों? ये तो अपमान है इनका। बोलो। बोलूंगा नहीं, चाहूं तो 100 बार बोल सकता हूं, मगर बोलूंगा नहीं, मालिक ने मुंह खोलने के लिए मना किया है। ये क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने? रिपोर्ट में लिखा है 144 विद्यार्थी हैं, 7 अध्यापक हैं, क्लासरूम वाली स्कूल की एक इमारत है, ये सब है कहाँ? दूसरी गली में है। वो क्या हुआ कि एक बच्चे को सांप ने काट लिया था, तो बच्चे स्कूल में बैठे से डरने लगे। इसलिए मैं यहाँ स्कूल चलाने लगा। अब आप 25,000 की मदद सरकार से दिलवा दीजिए, 25,000 मैं अपनी जेब से डाल दूंगा और स्कूल के लिए यहाँ एक इमारत खड़ी कर देंगे। तो सरकारी मदद आप पास करते हैं, उसमें आपका हिस्सा कितना होता है? कौन हो तुम? अजय छोड़िए हुजूर, एक नंबर का बदमाश है, शराबी जुआरी। हो सकता है, लेकिन आपकी तरह धोखेबाज नहीं, जो मासूम बच्चों की शिक्षा के नाम पर मिली रकम हड़प कर जाता है। सुना आपने, ये क्या कह रहे हैं? देखो बाबू, एक मामूली सा सरकारी ओहदा क्या मिल गया तुमको? तुम तो एकदम लाट साहब समझने लगे अपने आप को। तुम मुझे पहचानते नहीं, बहुत ऊपर तक पहुंचे मेरी। ये ओहदा, नौकरी वोकरी सब गड़बड़ कर दूंगा, समझे? तो कीजिए ना महाशय, जो कुछ आप कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन इस वक्त मेरे सामने से चले जाइए। अच्छी बात है, बहुत पछताओगे, कह देता हूं। जाओ बच्चों घर जाओ, आज स्कूल बंद। चलो चलो, भागो भागो, घर जाओ, स्कूल बंद। सुनो भाई, ये स्कूल का नाटक क्या हमेशा से इसी तरह चल रहा है? और 100 साल तक यूं ही चलता रहेगा, जब तक ये चौधरी जैसे नालायक स्कूल चलाएंगे और सरकार अपनी आंखें बंद करके उन्हें देखती रहेगी। तुमने अपनी आंखें कब खोली? हम सबको खबर क्यों नहीं की? ये सब देखना मेरा काम नहीं, आपका काम है। हाँ, हमारा ही काम है, मगर क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? सरकार की आंखें मुझ जैसे मुलाजिम नहीं, तुम जैसे नागरिक होते हैं। हाथ पर हाथ धरकर बैठना, भ्रष्टाचार को कोसने की जगह, उसके खिलाफ लड़ना हम सबका फर्ज है, समझे?
स्वागत है गुरुजी। अरे इस छोटे से विद्यालय का नई पीढ़ी की इस नई आशा किरण का शुभारंभ अपने हाथों से करके हमें आशीर्वाद दीजिए। आइए। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है ही गोपाल। बड़ी बात तो यह है कि तुमने हिम्मत के साथ बेईमानी का कुरीति का विरोध किया है। अपने मेहनत अपने बलबूते पर तुम ये विद्यालय शुरू कर रहे हो। ये सब तुम्हारी लगन का ही परिणाम है। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है गुरुजी। बड़ी देर में ये बात समझ पाया कि विद्या से बड़ी दौलत दूसरी नहीं है। चलो मेरे साथ बोलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हरे कृष्ण हरे। नमस्ते श्रीमान जी। मंदिर की चाबियां है ना? हाँ हाँ श्रीमान जी। लो नई चाबियां बनवा ली क्या? नहीं, नया पुजारी बुलवा लिया है। श्रीमान जी इस मंदिर में नया पुजारी? आखिर मेरा दोष क्या है? नाटक बंद कर। तेरा भाई सरकार से मेरी शिकायतें करता है। मेरा स्कूल बंद करवा कर उसने अपना स्कूल खोला है। ताने कितने भी मार लीजिए पर मुझे झूठा मत समझिए श्रीमान जी। स्वामी जानते हैं जब से उस नालायक को घर से निकाला उसका मुंह तक नहीं देखा। तो जा अब जाके देख। अगर तुझे सचमुच अपने प्रभु से प्रेम है तो जाके कह अपने भाई से कि फौरन अपना स्कूल बंद करे और मुझसे आके माफी मांगे। लेकिन श्रीमान जी वो मेरी सुनता कहाँ है? तो जा भाड़ में। हे प्रभु ये क्या अन्याय है। हे सर्वशक्तिमान ताला तो खोलो प्रभु। प्रभु तुम्हें अक्षत अर्पण करना है। सुबह भी तुमने ठीक से कुछ ग्रहण नहीं किया था। हे परमात्मा हे प्रभु देखो अंधेरा होने वाला है। किवाड़ तो खोलो मुझे दिया तो जलाने दो। प्रभु पुजारी जी आप जाओ यहां से। अरे अपने स्वामी के चरणों को छोड़कर मैं कहां जाऊंगा भाई? मालिक ने देख लिया तो मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मेहरबानी करके आप चले जाइए। ये कैसा अत्याचार है प्रभु। ये मेरे मुरली मनोहर ये कैसे अत्याचार है प्रभु। हे तुलसी माता सुना आपने? सुना मुझे मंदिर में जाने की मनाही हो गई है। हे गो माता ये अर्घ अक्षत पत्र पुष्प कुछ भी मेरे स्वामी तक नहीं पहुंच सकेंगे। पाई माँ पाई माँ मेरे मुरली मनोहर कितने कष्ट में होंगे। ये सब मुझ अधम नीच पापी के कारण ही हुआ है। इसलिए मैं अकारण जीवन का अंत करता हूं। माधव मनोहर तुम यहाँ? नहीं नहीं ये मेरे ही मन का भ्रम है। लेकिन मंदिर में तो लोहे के ताले लगे हुए हैं। लोहे के ताले पत्थर की दीवारें ये सब मुझे क्या रोक कर रख सकते हैं? ये भी सच है। सुंदर बगिया है तुम्हारी, खुली हवा है, सुगंध है, प्रकाश है। अब से मैं यहीं रहूंगा यहां स्वामी। अहो भाग्य। लेकिन उन बिचारों का क्या होगा प्रभु जो कल आपके दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचेंगे? तुम जहां से निकाल दिए गए माधव
उस मंदिर से मेरा क्या लेना देना? मेरा मंदिर तो वही है जहां मेरे भक्त हैं। मेरा निवास तो भक्तों के हृदय में है। धन्य हो गया मैं स्वामी, जीते जी तर गया। यानी तुमने मुझे उस मंदिर से नहीं निकलवाया? अब यही बातें करते रहोगे? अभी तो चिंता कर रहे थे मैं भूखा हूं। पाही माम अभी लाया स्वामी, अभी लाया। माधव बस थोड़ा सा चिवड़ा और गुड़ ही लाना। जो आज्ञा स्वामी, जो आज्ञा। रुक्मणी का रनिवास कहाँ, राधा के संग रास कहाँ। धन्य हो भगवन छोड़ के सबको, आए गरीब के पास कहाँ। जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोपाल बोलो रे राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद गोपाल बोलो रे। जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोपाल बोलो रे राधे गोविंद गोपाल बोलो रे। जिसकी तरफ तू जीत उसी की, दुश्मन हो चाहे दुनिया सारी। निर्धन के धन निर्बल के बल, तुम ही तो हो हे कृष्ण मुरारी। निर्धन के धन हो, निर्धन के धन निर्बल के बल, तुम ही तो हो हे कृष्ण मुरारी। जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोपाल बोलो रे राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद गोपाल बोलो रे। जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोपाल बोलो रे राधे गोविंद गोपाल बोलो रे राधे गोविंद गोपाल बोलो रे। ये क्या हो गया है तुम्हें? किससे बातें कर रहे हो तुम? बस एक और प्रभु। हे भगवान ये क्या अनर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं प्रभु? भाभी इतनी रात गए, सब ठीक है ना? तुम्हारे आगे झोली फैलाने आई हूं भैया, इस अबोध बालक को पितृ भिक्षा दे दो और मुझे मेरे सुहाग की भीख दे दो। बाबा श्याम से रो रहे चाचू, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते, बस आंगन में आंखें बूंदे पड़े रहते। तुम बाबा को कुछ चल के समझाओ ना चाचू। भाभी जब से मंदिर की चाबियां उनसे छीन ली गई है, वो अपने आपे में नहीं है, बच्चों की तरह बिलख रहे हैं, पागलों की तरह बड़बड़ा रहे हैं। भगवान न करे अगर सुबह तक उनको चाबियां वापस नहीं मिली तो उन्हें जरूर कुछ हो जाएगा। मैं तो पहले ही कहता था कि चौधरी इंसान नहीं राक्षस है, राक्षस। अपना दोष उनके सर पर मत डालो तुम, झगड़ा तो तुम्ही ने शुरू किया ना। चौधरी का स्कूल बंद करके अपना स्कूल खोला तुमने और इसी का बदला उन्होंने तुम्हारे भैया पर निकाला है।
मंदिर की चाबियां छीन ली उनसे। बात वो नहीं है भाभी जो तुम समझ रही हो। खैर कल सुबह होते ही। कल वाल कुछ नहीं, तुम अभी इसी वक्त अपना ये स्कूल बंद करो। स्कूल बंद कर क्यों नहीं? आज तक तो तुम्हें पढ़ाई की कोई चिंता नहीं थी, फिर आज अचानक ये स्कूल खोलने की क्या जरूरत पड़ी? क्या जानते हो तुम पढ़ाई के बारे में? तुम नहीं समझोगी मेरी बात। हाँ हाँ, मुझ में क्या समझ है? अरे माँ की तरह पाला है मैंने तुम्हें, मगर अब तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो गए हो। हाँ भला अब तुम मेरी बात कैसे मानोगे? मैंने तो कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानी थी भाभी। जब तुम सही बात करती थी तभी भी नहीं मानी, और आज जब तुम गलत बात मानने को कह रही हो, इसे मैं कैसे मान लूं? गोपाल भाभी, नादान बच्चे ना हमेशा नादान रहते हैं। बच्चे बड़े भी होते हैं, माँ बाप बन जाते हैं, और कभी कभी बच्चे बड़ों से भी ज्यादा समझदार होते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें तू मुझे मत सुना, बस इतना बता दे कि तू स्कूल बंद करता है या नहीं। स्कूल बंद करने से ये मामला सुलझेगा नहीं भाभी। नालायक, अपनी हट के सामने तुझे कुछ नजर नहीं आता? कोई जिए या मरे तेरी बला से तुझे क्या? चल गुड्डू, अगर तेरे ही कारण हम लोगों की बर्बादी लिखी है, मौत लिखी है, तो वही सही। मैं ही जाने क्यों पत्थर से सर टकराने चली आई थी। चौधरी, झगड़ा तुम्हारा मेरे साथ है ना चौधरी, फिर मेरे दादा को क्यों तंग करते हो? चुपचाप चाबियां निकालो। कौन सी चाबियां भैया, तिजोरी की? वक्त आने पर वो भी ले लूंगा, इस वक्त मैं मंदिर की चाबियों की बात कर रहा हूं। देखो गोपाल, जो लोग सुलह समझौता करने आते हैं वो नरमी और शराफत से बात करते हैं, ना कि समझौता। और तुम्हारे साथ हा? मैं क्या तुम्हें इतना गाया गुजरा नजर आता हूं? नहीं बाबू, तुम तो बड़े नेक हो, शरीफ हो, दूसरों के पैसों से शराबे पीते हो, जुआ खेलते हो, बड़े घरों की भोली भाली लड़कियों को फंसाते हो ताकि उनके रुपए हड़प कर सको। मुंह तोड़ के रख दूंगा अगर बकवास की तो। अब ये मर्दांगी किस लिए? सच ही तो कह रहे हैं, कौन सी बात झूठ है उनकी? समझ में नहीं आता तुम पर गुस्सा करूं या तरस खाऊं। तुमने तो वो सच भी समझने की कोशिश नहीं की जिस पर तुम्हारी अपनी जिंदगी का दारोमदार था। दूसरों की जिंदगी का सच झूठ तुम क्या समझोगे? ये शास्त्रार्थ छोड़ो बाबू, हम शरीफ बाल बच्चेदार लोग हैं, इस तरह से आधी रात को चीखना चिल्लाना हमारे बस की बात नहीं है। तुम्हें मंदिर की चाबियां चाहिए ना? चाबियां लो और जाओ यहां से। मैं कल पंचायत बुलाकर गांव वालों के सामने बाकायदा वापस ले लूंगा। ये यही अकल दादा के हाथों से चाबियां छीनने से पहले आ गई होती तो ज्यादा अच्छा होता। हाय राम, मेरा दिल तो धक से रह गया था। तुम अंदर जाओ और जाकर आराम करो, जाओ। आप अपनी सुघनी बदल लो मालिक। क्यों? कीड़ा पड़ गया आपके दिमाग में, ऐसे ही चाबी थमा दी उसे। असली चाबियों की असली नकल हा? अब ये उस हराम खोर को जेल भिजवाएंगी। मतलब? मुंह बंद करो और सीधे मंदिर पहुंचो। मुंशी, तुम आज रात को ये गहने ले जाकर गोपाल के घर के पीछे कहीं दबा दो, और फिर कल हम गांव वालों के साथ जाकर इन्हें वहां से खोद निकालेंगे और फिर उसी गड्ढे में गोपाल को दफना देंगे। आ जाओ। अर्थात तब तो आपको इस अकलमंद मुंशी की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। मालिक, मेरी अमिया अमिया आप अभी तय कर दीजिए। अरे शर्म करो मुंशी, शर्म करो। क्षमा प्रभु, तुम भगवान के सामने इस तरह खड़े होकर रिश्वत मांग रहे हो? रिश्वत नहीं, भगवान के सामने तो मैं आपसे कबूल करवा रहा हूँ श्रीमान जी, ताकि बाद में आप बात से फिर ना जाए। बस बस, बकवास बंद करो और जाकर अपना काम करो। चोर, चोर! अरे कोई है? अरे कोई तो है!
अरे बच बच कर बच कर मीना बच कर, मैं हूँ तुम्हारा मुंशी, अम्मिया अम्मिया मुंशी। चोरों की तरह मुंह क्यों छुपा रहे थे? जुकाम से बचने के लिए। अच्छी बाहर ओस पड़ रही है ना। ये गहने कहाँ से उठा लाए? अपनी प्यारी के लिए, तुम्हारे लिए। ये तो मंदिर के गहने लगते हैं। हाँ तो ये मंदिर के ही तो गहने हैं। नहीं मेरा मतलब है मंदिर का ही तो प्रसाद है। तो क्या है मीनाक्षी, असल में मुझे एक स्वामी जी मिल गए थे, तो मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर एक पालना बंद है। मैंने कहा, नहीं 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 स्वामी जी, मुझे ये पालना नहीं चाहिए, मुझे सचमुच का पालना चाहिए, सचमुच का बच्चा। तो बोले, ये पालना और ये सारे गहने 15 दिन तक तू घर में छुपा कर रख, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लाओ, मैंने छुपा दी। हाँ लेकिन स्वामी जी ने कहा था ये बात एकदम गुप्त रहनी चाहिए, वरना तुम पति पत्नी का सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए ये गहने वहने छुपा कर फौरन यहाँ चली आओ। वो किस लिए? क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि पत्नी लाख मना करे लेकिन आज उसे जरूर पकड़ लेना। लेकिन आज तो संतोषी माता का दिन है, शुक्रवार। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात के 12 बजे दूसरा दिन शुरू हो जाता है। तो रात के 12 बज चुके ना, इसलिए शनिवार शुरू। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे अरे ये खानदानी कमबख्त कमर का दर्द। सच बोलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत, बहुत बड़ी बहादुरी की बात होती है। चाहे अपनी गलती, अपनी कमजोरी क्यों ना कबूल करनी पड़ जाए, फिर भी हमेशा सच ही बोलना चाहिए। यही गांधी जी ने हमें सिखाया। आओ भाइयों आओ, सुनो सुनो। अरे हमारे आपके जैसे लोग गांधी जी का नाम लेते वक्त 2 बार सोचते हैं, लेकिन ये महापुरुष गांधी जी का नाम ऐसे चबा रहे हैं जैसे चने चबा रहे हो। चौधरी साहब, भागो बच्चों भागो, जाओ अपने अपने घर जाओ, आज से स्कूल बंद, चलो जाओ जाओ। मेरा स्कूल बंद करने का आपको क्या हक है? प्रधान होता हूं मैं इस गांव का, समझे? इस गांव के बच्चे बड़े होकर किसान बने या अफसर, लेकिन एक चोर की सोबत में रहकर डाकू नहीं बनेंगे। ये क्या बकवास लगाई है? बकवास? क्या ये झूठ है कि कल रात तुमने जबरदस्ती मुझसे मंदिर की चाबियां ले ली? नहीं सच है। तो? और फिर रात में ही तुमने भगवान की मूर्ति से सारे सोने चांदी के जेवर चुरा लिए और चाबियां पुजारी जी के घर में फेंक दी? ये सरासर झूठ है। सबूत भी अभी मिल जाता है बाबू। मुंशी प्रभु, जरा देखो तो कहाँ छुपाए हैं इसने गहने। जी प्रभु। अरे बेवकूफ, चोरी का माल इस तरह खुलेआम थोड़े रखा होगा। नहीं, जा जाके देख पिछवाड़े में, इधर उधर खोद, वहीं कहीं दबा के रखे होंगे इसने गहने जमीन में। जा। क्यों आ गया महाप्रभु? चलो चलो चलो। अच्छी तरह से खुदवाना मुंशी जी, जमीन की खुदाई गड़ाई हो जाएगी तो कसम कद्दू की, कुछ कद्दू की बेले ही लगवा लूंगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गोया के तुम्हें यकीन है कि जेवर इस जगह में नहीं मिलेंगे? और आपको यकीन है कि जेवर यहीं मिलेंगे? चक्कर क्या है मुंशी? गहने मिले नहीं? बस प्रभु वो जी बस इतना नाटक काफी है। अब इन गधों को वो जगह बता दो जहां तुमने असल में गहने छुपा के रखे हुए हैं। जगह तो मैंने पहले ही बता दी थी प्रभु, लेकिन वहां से तो गहने ही गायब है। क्या? हाँ, लेकिन ये सोचकर कि वो जगह पहचानने में मैं ही गलती कर रहा हूँ, बाकी की दूसरी जगह भी खुदवा कर देख रहा हूँ। अबे ओ मुंशी के बच्चे, अगर तू मुझे ही बेवकूफ बनाने की सोच रहा है तो। राम 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 प्रभु, भला आपको कौन बेवकूफ बना सकता है? मालिक दरअसल मुझे तो कुछ और ही लगता है। जब मैं गहने छुपा रहा था ना, तो मैंने कुछ आहट सी सुनी थी उस खिड़की के पास। हो सकता है उस गोपाल के बच्चे ने मुझे देख लिया हो और मेरे जाने के बाद गहने खोदकर निकाल लिए हो। तो इसीलिए अकड़ रहा था साला। हाँ। अरे लेकिन अगर गहने नहीं मिले तो हमारा तो फजीदा हो जाएगा। क्या बात है मुंशी जी, चोरी का माल अभी तक नहीं मिला? लाओ कुदाल मुझे दो। हे देवकी नंदन, हे किशन कन्हैया, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूं
तो आज मेरी सहायता करो, बता दो वो गहने कहाँ गड़े हुए। जय श्री गोविंदा, जय श्री गोविंदा, जय मुरारी, जय मुरारी, जय कृष्णा, जय कृष्णा, जय गिरधारी, हरिओम हरिओम, हरिओम हरिओम, जय परमात्मा, जय परमात्मा, जय गोविंदा, जय गोविंदा। ये मंदिर के गहने नहीं है श्रीमान जी। आज हमारे हृदय की वैदिक पुकार सुनकर उनका मन द्रवित हो गया, इसीलिए उन्होंने हमें ये संपत्ति प्रदान कर दी। बोलो श्री कृष्ण परमात्मा की जय। परंतु ये गहने हमारे खानदानी हैं, हमारी दादी परदादी के। क्या जी महामना, उन दिनों चोर डाकुओं के डर से दादाजी ने गहने छुपा दिए थे। डाकुओं के अत्याचार के उपरांत भी प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए। हमने तो आशा ही छोड़ दी थी कि ये गहने हमें वापस मिलेंगे या नहीं। सच बोल रहे हो पुजारी? एकदम, घर पर एक पुराने ताम्र पत्र पर एक एक गहने का विवरण लिखा हुआ है। इस पर हमारी दादी परदादी के नाम भी है। देखिए देखिए गंगावती देवी, ये संपत्ति मेरे घर में मिली है और ये मेरी है। तुम्हारी ही तो है, तुम्हारे पुरखों की है। तुम दोनों भाई बराबर बराबर के हिस्सेदार हो इसमें। बिल्कुल नहीं चौधरी साहब, बिल्कुल नहीं। आपने मुझसे उस कागज पर दस्तखत करवाए थे कि मैं ये टूटा फूटा मकान और इसमें जो टूटा फूटा सामान पड़ा है वो सारा लेकर बाकी सारा अधिकार छोड़ दूं। अब अगर इस घर में कोई गड़ा खजाना मिल जाता है तो ये मेरी किस्मत है। ये इसे खजाना मत कहो गोपाल, ये हमारे पुरखों की निशानी है। इसे हम देवालय पे खर्च करेंगे तो हमारे पुरखों की आत्मा को शांति मिलेगी, है ना? सच्ची शांति तो मिलती है दादा इंसान की सेवा करने से, इसलिए मैं इस संपत्ति से विद्यालय और अस्पताल बनवाऊंगा। देखो मैंने इसे खोदा है, पहले ये मुझे मिली है, लेकिन जहां से ये मिली है वो घर मेरा है। अरे मेरे भगवान के गहने जो तुमने चुराए हैं पहले वो तो वापस करो। मैंने नहीं चुराए हैं और ना ही वो गहने यहाँ मिले हैं। जाओ जाकर ढूंढो कहाँ हैं और किसने चुराए हैं। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। ये सारी संपत्ति देवालय पर ही खर्च की जाएगी। हरगिज नहीं, इसका एक एक पैसा विद्यालय पे खर्च होगा। पर मेरा एक निवेदन है, क्योंकि आप सारी की सारी संपत्ति जनता के ही हित में लगाना चाहते हैं, क्यों ना उसी जनता से पूछ लिया जाए कि इस सारी संपत्ति को किस प्रकार और किस चीज पे खर्च किया जाए। मतलब गोकुल अष्टमी आ रही है, हाँ। उसके अगले ही दिन हम चुनाव करवा देंगे, हाँ। क्यों गोपाल? इसमें आपकी क्या चाल है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गोपाल शांत, पुजारी जी शांत। मैं गोपाल की बात का बुरा नहीं मानता, उसका मन मेरी तरह से मैला हुआ पड़ा है, शायद गलती मेरी ही हो। अरे भाई, अगर हम आपस में इस बात का फैसला नहीं करेंगे तो भगवान न करे कल कोई नालायक शहर जाकर सरकारी महकमे में इत्तला कर दे कि इस तरह से गड़ा हुआ धन यहां मिला है, तो तुम तो जानते ही हो कि कायदे के मुताबिक सरकार उसे जब्त कर लेगी और फिर ना तो वो देवालय के काम आएगा और ना ही विद्यालय के। ठीक है, करवा लीजिए चुनाव, लेकिन तब तक ये गहने आपके पास नहीं, पंचायत के दफ्तर में रखे जाएंगे। ये तो और भी अच्छी बात कही तुमने, मेरे सर पर से जिम्मेदारी हटा दी। आओ पंचो, आओ अपने सामने सब सामान देख दाख कर पहुंचा दो पंचायत के दफ्तर में। हाँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। इस अधम पापी अपने दास अनुदास का प्रणाम स्वीकार कीजिए माननीय पुजारी जी। कृष्णार्पणम कल्याण भव विजयी भव। यही, बस यही आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये मेरी नहीं हम सबकी स्वयं प्रभु की जीत होगी। सन्माननीय पुजारी जी, वो देखिए
मोती जैसे चावल। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आपकी पवित्र देह की आभा जैसी मूंग दाल, आपके अंतर्मन जैसा निर्मल घी, आपके वचनों जैसा उज्जवल दूध दही, ढेरों प्रसाद बनवाइए। और आप स्वयं घोषणा कर दीजिए कि आज से लेकर चुनाव के दिन तक किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सारा गांव यहाँ मंदिर के प्रांगण में ही प्रसाद पाएगा। खर्च की आप कोई चिंता ना करें। अम्मिया अम्मिया के बिना तो भगवान भी आजकल किसी का काम नहीं करते। अरे क्या बड़बड़ कर रहा है मुंशी। भगवान जा जाकर पुजारी जी का हाथ बटा और फिर नया कलश भी तो चढ़ाना है। दर 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 दर। चलो नया कलश चढ़ाए। सब जानता हूँ गिरधर, जानता हूँ तुम कितने नटखट हो। सारी व्यवस्था स्वयं कर डाली और मुझसे कहते रहे मैं कर ही क्या सकता हूँ। धन्य हो स्वामी, धन्य हो। आइए पुजारी जी, बधाई हो बधाई हो। प्रभु परमात्मा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण। जय हो प्रभु। आंखें जुड़ा गई रथ देखकर कितने सालों बाद। अरे रथ तो रथ, 10-5 लाख और मिलते तो चौधरी पूरा मंदिर का मंदिर जुलूस में शामिल करके चला लेता। देखा सोमी, देखा ये वैभव, ये भक्ति। अरे इस भक्ति आंखों से देखो तो समझो कि कैसा सुख मिलता है। जय प्रभु जय परमात्मा। ए बुढ़ाऊ जी मालिक, कहाँ रहते हो आजकल? कल आ जाना खेत में। अच्छा, वो कटल उतारे जा रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो एक ले जाना अपने परिवार के लिए। हाँ अच्छा। क्यों सीता भाई, क्या मांग रही हो भगवान से? अरे आज तो उल्टे तुम्हारे वरदान की जरूरत है भगवान को, वरना ना भगवान रहेंगे और ना ही उनका मंदिर। याद रहे, तुम्हारा कीमती वोट मंदिर को ही मिलना चाहिए। तुम्हारा, तुम्हारे पति का, तुम्हारे ससुर का, तुम्हारी सास का, तुम्हारी नानी। अरे नानी है ना? शुभ शुभ। सॉरी सॉरी, पाही माम पाही माम। मैं तो कहता हूं कि 100 साल और जिए। सुनिए, चुनाव के दिन मैं गाड़ियां भिजवा दूंगा, आप सब लोग उनमें बैठकर वोट देने आ जाइए। चलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देख रहे हो इस हरामजादे का आडंबर, तुम सिर्फ एक बार हाँ कह दो, तुम सिर्फ एक बार हाँ कह दो, पैसों की कमी अपने पास भी नहीं है ना, सारे वोट अपनी तरफ खींच लाए ना, तो मेरा नाम भी राजा महेंद्र नहीं। नहीं महेंद्र राजा, हमें लोगों को बहलाना नहीं है, उन्हें असलियत समझानी है, उन्हें ये बताना है कि उनका भला किस में है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब तो आप जानती हैं। अब मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को स्कूल की मदद करनी चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। क्या सिखाओगे स्कूल में अपने बच्चों को? आवारा कर दिया मंदिर में चोरी करना। ठीक है, अगर ये साबित हो जाए कि वो चोरी मैंने नहीं की है, तब तो तुम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे ना?
तुझे? अबे पिया हुआ है क्या, देख के नहीं चल सकता? हाँ अरे हाँ गोपाल बाबू आप हाँ क्या? हे भगवान, मेरे पापों का घड़ा भर गया है, मैं बहरा हो गया हूँ या आप गुंगे हो गए हो? हाँ ये क्या हो रहा है गोपाल बाबू, ये अम्या अम्या किस बात की है? क्यों मुंशी, आखिर बता दिया ना तूने गोपाल के बच्चे को? मैंने कुछ नहीं बताया मालिक, आपकी कसम। मुंशी के पिल्ले साले हरामी, 4 पैसों की खातिर तूने मंदिर की चोरी का राज बता दिया ना उसे? भगवान की कसम महाप्रभु, मैं निर्दोष हूँ, ये सब उस साले का ही। झूठे साले, चल घर चल, मेरा नाम भी चौधरी रुद्र नारायण नहीं अगर तेरे पेट से सारी सच्ची बात नहीं निकाल ली तो। चल मालिक। सच सच बोल, क्या तूने गोपाल को बता दिया है ना कि मंदिर के गहने किसने चुराए थे? अरे मैं क्या पागल हूँ कि खुद ही चोरी करूंगा और खुद ही बता दूंगा, वही जाने मेरे कान में आके क्या खुसुर खुसुर करके चला गया। तेरी तो बेवकूफ समझता है तू मुझे, हरामी साले, गहने के गहने गायब कर दिए और भांडा फोड़ दिया सोलक। अरे मैंने कौन सा अपनी घरवाली को दिए थे गहने, जैसा आपने कहा था मैंने गोपाल के घर के पिछवाड़े वहीं दबा दिए थे, अब अगर वहां पर नहीं मिले तो मैं क्या करूं? नाटक करता है ये मत समझना मुंशी कि दुश्मनों के साथ मिलकर तू मुझे ये चुनाव हरवा देगा, इतनी बड़ी दौलत मैं किसी कीमत पर हाथ से नहीं जाने दूंगा। पापी, मंदिर के गहरे चुराने वाला महाचोर, तू नरक में जाएगा। ये सारी गालियां बचा के रखो मीना जी, क्योंकि ये सारी तुम्हारे पतिदेव को लग रही है। क्यों, उन्हें क्यों लगेगी? क्योंकि मंदिर की चोरी मुंशी ने की थी, करवाई भले चौधरी ने थी, अब दोनों में पड़ गई फूट और इस वक्त चौधरी जम के मुंशी की पिटाई कर रहा, उसके खून का प्यासा हो गया। हे देवा, हे देव की नंदन, हे भगवान, हे तुलसी माता, मेरे पति की रक्षा करो। तुलसी माता इसमें कुछ नहीं कर सकती, अगर तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो फौरन वो गहने लौटा दो। लेकिन वो गहने तो एक स्वामी जी ने मेरे मुंशी। सारे गहने ले जाकर ठाकुरानमा की बेटी रजनी का आगे रख दो, क्योंकि मंदिर की ट्रस्टी वही है, सारी बात सच सच बता दोगी तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी, नहीं तो तुम्हारा मुंशी। देवा, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, परम पिता परमात्मा की जय। भगवान का ये मंदिर है, भगवान का मंदिर, भगवान का ये मंदिर है, भगवान का मंदिर, सोच समझ के बोलो भैया जाना है किधर। ज्ञान का ये मंदिर है, ये ज्ञान का मंदिर, ज्ञान का ये मंदिर है, ये ज्ञान का मंदिर, सोच समझ के बोलो भैया जाना है किधर। भगवान का ये मंदिर है, भगवान का मंदिर, ज्ञान का ये मंदिर है, ये ज्ञान का मंदिर। बेचते हैं भगवान को ये भक्तों को, लूट के खाते हैं, स्वर्ग का लोभ दिखाते हैं, घर अपना भरते जाते हैं। ओ नर्क से तुम्हें डराते हैं, अरे खुद ये पाप कमाते हैं। भगवान का वो मंदिर है, भगवान का मंदिर। तालीम आजकल की क्या है, बस क्लर्क बना पाती है, अपना वतन छुड़ाती है, परदेश में भटकाती है।
भक्ति बसाए घर को और तालीम छुड़ाए घर। ज्ञान का ये मंदिर है, ये ज्ञान का मंदिर, भगवान का ये मंदिर है, भगवान का मंदिर। सोच समझ के बोलो भैया जाना है किधर। ज्ञान का ये मंदिर है, ये ज्ञान का मंदिर, भगवान का ये मंदिर है, भगवान का मंदिर। मानव कैसे चांद पे जा सकता था, कृपा न होती ईश्वर की क्या लौट के आ सकता था। भक्ति ही देती है मानव को हर काम की शक्ति, अरे भक्ति से ही कैसे मिल सकती है भूख से मुक्ति। गीता का उपदेश दिया और की ईश्वर ने भलाई, ईश्वर ने भी कृष्ण के रूप में गुरु से विद्या पाई, विद्या पाई, विद्या पाई, विद्या पाई। चलो हटो हटो, चलो हटो। क्यों रे कमबख्त, तो बिट्टे भर के अभी हुए नहीं और मजाक उड़ाना सीख लिया बड़े बुजुर्गों का। ऐसी नौटंकी करके क्या चुनाव जीत जाओगे तुम लोग? बदमाश है रो, अभी तो मत लो, पकड़ इसको, कहाँ क्या? अरे पकड़ इसको, पास को। अजी बच्चों को मारना पाप है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा बोलना अपनी माँ को। ये शैतान के पिल्ले, ये भगवान के। अच्छा? अरे इनकी उम्र में तो भगवान ने बड़े चमत्कार किए थे, बड़े राक्षसों को मारा था। अच्छा? एक राक्षसी को भी मारा था, भूत लोगों को। नाश पीटे, मुझे पूछना बना रहा है। भगवान करे तेरी जबान चल जाए। भगवान तुम्हारा रिश्तेदार लगता है क्या कि जो बोलोगी वो कर देगा? अरे भाई इनकी बहुत गाढ़ी छनती है भगवान के साथ, इनको हमेशा सपने में भगवान दिखाई देते हैं। जाओ यहाँ से। और इन्हें जागते में क्यों ठीक का ना? पता नहीं हमें क्यों नहीं दिखाई देते। अरे भाई तुम्हें भी दिखाई देंगे, सिर्फ उन पर विश्वास रखो। जब हमें दिखाई देंगे तो हम भी विश्वास कर लेंगे। मूर्खों को नहीं दिखाई देते भगवान। मूर्खों के वो चाहिए तो दिखना भी चाहिए। अरे भगवान भगवान होते ही नहीं है। ऐसी बात मुंह से मत निकालो भाई, परमात्मा तो परम पिता है, अनादि अनंत सर्वांतरयामी। हाँ, और इस एक उंगली पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। हाँ। और बड़ी अम्मा ने देखा था। गोवर्धन पर्वत छोड़ो, सिर्फ मंदिर का गुंबद ही उठा के दिखा दे भगवान, हम यकीन करने लगेंगे। गुंबद ही क्यों, सिर्फ बीच का कलश ही उठा दे। हरे कृष्ण, आज ये दिन आ गया है कि मेरे मुरली मनोहर को चमत्कार दिखाना होगा, वो भी नास्तिकों के लिए। लो, भगत और भगवान दोनों ही खतरे में पड़ गए। नहीं, कबूल क्यों नहीं कर लेते कि भगवान होता ही नहीं है। तुम भगत भी झूठे हो और वो पत्थर की मूरत भी झूठी है। चुप चुप करो नास्तिको, अरे भगवान को नकार रहे हो, अरे उसी की कृपा से तो तुम हो, हम है, ये चांद सितारे सूरज धरती सब कुछ उसी ने बनाए हैं। अगर मेरा स्वामी मेरा भगवान सच्चा है तो उसकी महिमा भी अवश्य दिखेगी। रात ठीक 12 बजे मंदिर का कलश हवा में उठेगा, और अगर नहीं उठा तो मैं अपने स्वामी के चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा, वचन देता हूं। पुजारी, श्रीमान जी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये क्या लोगों को बेवकूफी का वचन दे दिया तुमने?
अरे मैं तो पानी की तरह पैसा बहा रहा हूं कि देवालय को वोट मिले और तुमने जड़ी काट के रख दी। श्रीमान जी, अरे जब चमत्कार नहीं होगा तो लोग समझ जाएंगे ना कि भगवान नहीं है, फिर सारे वोट उस साले गोपाल की विद्यालय को चले जाएंगे। पर चमत्कार होगा क्यों नहीं श्रीमान जी, क्यों नहीं होगा? मेरे किशन कन्हैया अवश्य लीला करके दिखाएंगे। पुजारी पुजारी, कौन उठाएगा कलश हवा में ये पत्थर की मूरत? श्रीमान जी, आप भगवान को पत्थर की मूरत कह रहे? मंदिर के कर्ता धर्ता कोषाध्यक्ष होकर आप ये कह रहे? अरे कोषाध्यक्ष, मैं मंदिर की जायदाद का हूँ, यहाँ की आमदनी का हूँ, इस पत्थर की मूरत का नहीं। मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि भगवान उगान कुछ नहीं होता, ये तो एक बहाना है लोगों को बेवकूफ बनाने का। इससे पहले कि सरे किए किराए पर पानी फिर जाए, मैं जाके बहलाता हूँ गाँव के मूर्खों को। हर दर्जे के बेवकूफ निकले तुम। सुना आपने स्वामी, सुना? श्रीमान जी क्या कहेंगे? जब चमत्कार होगा ना, तभी नाधर्मियों की आंखें खुलेंगी। चमत्कार की बात करने से पहले तुमने मुझसे पूछा था? हाँ, ये भूल अवश्य की है मैंने। और तुम चाहते हो कि मैं उसे जिताने के लिए चमत्कार करूं? पर आप तो जानते हैं स्वामी, इसमें मेरा कोई अहंकार नहीं था, आप पर मेरा अखंड विश्वास, मेरी आस्था थी। नहीं माधव, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे चौधरी जैसे अधर्मियों और लालचियों का लाभ हो। स्वामी, सुनिए मेरे भाइयों, मेरे प्यारे गांव वालों, ये चमत्कार का झूठा प्रचार हमारे विरोधी नास्तिकों ने किया है। उनका कहना है कि मध्य रात्रि में पुजारी जी कलश को हवा में उठाएंगे, ये सब बकवास है, ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। अरे होगा क्यों नहीं, पुजारी जी ने जब बोला है तो जरूर होगा। चुप, तू चुप कर दिए बेवकूफ। फिर कभी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करूंगा प्रभु, पर आज मेरी राज रख लो, इस मंदिर को बचा लो प्रभु। अगर मंदिर की चिंता है तो ठीक है, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि चुनाव हुए ही नहीं और गोपाल स्वयं आकर तुम्हें सारे गहने सौंपते, फिर जी भर के तुम मंदिर का नवनिर्माण करना। उस नास्तिक की दी हुई भीख लेकर मैं अपने स्वामी की सेवा करूंगा? कभी नहीं। आपको पता नहीं, वो नालायक दूसरी जात में ब्याह करने वाला था, हर छोटी बड़ी जात में उठता बैठता है, उनका छुआ खाता पीता रहता है, भ्रष्ट हो चुका है बिल्कुल। और तुम भ्रष्ट नहीं हुए स्वामी? क्यों, मेरा जन्म भी तो क्षत्रिय वंश में हुआ था और ग्वालों के यहां पला बड़ा, और जब मुझे चढ़ाने के बाद तुम मेरा झूठा प्रसाद खाते हो, तब तुम्हारा उच्च ब्राह्मण कुल भ्रष्ट नहीं होता? स्वामी सर्वांतरयामी, अब तुम्हारे 10 अवतारों का अर्थ मेरी समझ में आया। तुम आधे नर आधे सिंह क्यों बने, तुम मछली और कछुआ क्यों बने, तुम राम भी हो और परशुराम भी और कृष्ण भी, तुम क्षत्रिय भी हो ब्राह्मण भी और शूद्र भी, अर्थात कोई जाति कोई मनुष्य छोटा बड़ा नहीं होता, जीवन मात्र में तुम ही तुम बास करते हो। आज मेरी आंखें खुल गई, अब से मैं हर धर्म का सम्मान करूंगा, परंतु आज रात तुम्हें महिमा दिखानी ही पड़ेगी, मेरे लिए, अपने भोले भक्तों के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तुम्हें ये स्वामी, कन्हैया, परमात्मा, इस तरह मुंह मत फेरो कन्हैया, कुछ बोलो प्रभु, कुछ बोलो,
कुछ बोलो प्रभु, कुछ बोलो। इस तरफ मुंह मत फेरो कन्हैया, कुछ बोलो। आपको सिर्फ धन्यवाद देने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए बुलाया गोपाल बाबू कि मंदिर के इन गहनों की चोरी भी चौधरी ने ही की थी, ताकि आपको जेल भिजवा सके। मैं जानता हूँ। और अब भगवान के नाम पर चुनाव जीतकर आपके घर से मिली लाखों की संपत्ति भी वो हड़प कर लेना चाहता है। ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन ये शायद आप नहीं जानते कि ठकुराइन जी की हत्या भी चौधरी ने ही की थी। हत्या? हाँ, तुमसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए चौधरी ने वो झूठा रिश्ता तुम्हारे घर भेजा था। अब इस खेल में ठकुराइन जी की मौत भी हो गई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठकुराइन जी की मौत नहीं हुई है, उनका खून किया है चौधरी ने, खून। देखो भाइयों, देखो देखो भाइयों, रात बहुत हो चुकी है, आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। ये राजनीति और चुनाव के मामले में भगवान को बीच में घसीट के लाना महापाप है। गोपाल, गजब हो गया। गोपाल, क्या हुआ? पुजारी जी ने बात बात पे ये घोषणा कर दी है कि मंदिर का बीच वाला कलश भगवान रात 12 बजे ऊपर हवा में उठाएंगे, और अगर ये चमत्कार ना हुआ तो वो भगवान के चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे। हाँ। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। दादा, दरवाजा खोलो। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, वो गहने आपको वापस करूंगा, आप जैसे चाहो खर्च करो। सुना दादा? दादा, दादा, स्वामी, दादा सुना? दादा, दादा दरवाजा खोलो। मेरे प्रभु, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुम ही ने कहा था ना कि धर्म की स्थापना के लिए हर युग में तुम अवतार लोगे। आज वो दिन आ गया प्रभु, अपने भक्तों के लिए महिमा दिखाओ। अरे चुप क्यों हो, पत्थर कहीं का? हाँ, माखन चुराने वाले चोर, कठोर हृदय, क्रूर। आया क्रोध? नहीं आया। अरे मैं तो समझा था गालियां खाकर ही कुछ कहोगे। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, नहीं दंड दो, घोर दंड दो मुझे प्रभु, घोर दंड। मैं बहक रहा हूं ना, जैसे लोग मदिरा पीकर पलाप करते हैं, पर मैंने भी तो मदिरा ही पी है ना, अंधभक्ति की मदिरा। मरे मुझे क्या मालूम था कि आज तक मैं इस पत्थर को पूछता आ रहा हूं और उसी के नशे में चूर घूम रहा हूं। कितनी बड़ी भूल, आज का दिन अंतिम है स्वामी। अरे 10-10 छिद्रों वाला पिंजरा है ये शरीर, किसी में से भी निकल भागूंगा, पर ये सुनने के लिए जीवित नहीं रहूंगा कि मेरी भक्ति झूठी है, मेरा परमात्मा झूठा है। ये सुनने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। चले जाओ, यहां कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। कहा ना कि यहां कोई चमत्कार नहीं होने वाला? ये सब झूठा प्रचार उन कमीने लोगों ने किया है जिन्हें भगवान के शरीर से गहने उतारने में कोई शर्म नहीं आई। लेकिन वो चोरी तो आपने की थी चौधरी साहब। अरे मुंशी, तुम छूट कर कैसे चले आए?
लोगों को ये सच्चाई बताने के लिए। जरूर ये कमीना दुश्मनों के साथ जा मिला है, बकवास कर रहा। अरे भगवान के गहने मैं चुराऊंगा? मैं? कोई यकीन करेगा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है चौधरी साहब, सबूत है। ये भी विरोधियों की कोई चाल लगती है, मुझे जाने दो। अरे जाते कहाँ? कुछ करो ना भैया, लोगों को बुलाकर दरवाजा ही तोड़वा दो। दरवाजा तोड़ना बड़ी बात नहीं है भाभी, पर फिर भी दादा अपने वचन से नहीं फिरेंगे, और अगर चमत्कार ना हुआ तो दादा निश्चय ही अपने प्राण दे देंगे, और चमत्कार तो होगा नहीं। धर्मी पापी दुराचारी, ये क्या किया तुमने? मेरा और मेरे मुरली मनोहर का इतना बड़ा अपमान, भगवान के नाम पर इतने सारे भक्तों को धोखा दिया तुमने, क्यों किया ये अनर्थ, ये महापाप क्यों? पाप पुण्य भला बुरा मैं कुछ नहीं जानता दादा, मैं तो बस इतना जानता था कि अगर ये चमत्कार ना हुआ तो तुम जीवित नहीं रहोगे। भाभी की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ते देखा मैंने,
नन्हे गुड्डू पर दुख का पहाड़ टूटते देखा। बस इतना ही सुझा के जैसे भी हो मुझे अपने दादा के प्राण बचाने हैं। तुम मेरे प्राण बचाओगे? तुम मूर्ख, तुम क्या समझते हो कि मेरे स्वामी ये कृपा नहीं कर सकते थे या नहीं करते? क्यों करते दादा क्यों? ताकि तुम जैसे सीधे आदमी की आड़ लेकर चौधरी जैसे अधर्मी और पाखंडी अपना उल्लू सीधा कर ले। भगवान ऐसे पापियों का साथ क्यों दे दादा, क्यों महिमा दिखाए? नहीं माधव, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे चौधरी जैसे अधर्मियों और लालचियों का लाभ हो। मुझ पे ज्यादा अकल नहीं है दादा। भगवान है या नहीं ये तर्क करने के लायक भी मैं नहीं हूं, पर अपने दादा में मुझे भगवान दिखाई देते हैं। उन लोगों की अटूट श्रद्धा में भगवान दिखाई देते हैं जो इतने विश्वास इतनी आस्था से आज प्रभु की लीला देख के तर जाना चाहते थे। अगर ये मेरा करिया अपराध है तो अब जो सजा देंगे मैं खुशी खुशी सह लूंगा। बाल मेरे बाल, तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो। सारा जीवन प्रभु के चरणों में बैठे रहकर भी मैं उन्हें उतना नहीं जान पाया जितना तुमने उनसे दूर रहकर जान लिया। प्रभु ने जब जब कोई लीला की है मनुष्य जोनि में जन्म लेकर ही की है। राम बनकर, परशुराम बनकर, कृष्ण बनकर आज उसने ये लीला तुम्हारा रूप धर कर कर डाली दादा। हाँ गोपाल, एक दिन उसने मुझे कहा भी था कि तुम माधव हो और वो तुम्हारा भाई गोपाल, पर आखिर दोनों तो मेरे ही नाम है। मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया कि सच्चा पुण्य तो अपने साथी मनुष्य की सेवा करने में ही है। भगवान को गहनों से भी कहीं ज्यादा अपने भक्तों की खुशी प्रिय है, यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा धर्म। श्री कृष्ण भगवान की जय। गोपाल, वो सारी संपत्ति तुम अपने विद्यालय और गांव वाले के उत्थान पर ही लगा दो दादा। हाँ गोपाल, इसी से मेरे मुरली मनोहर को सुख मिलेगा, उनकी इच्छा उनके आदेश का पालन होगा। आओ पहाड़ खड़े सारे भक्तों को ये बात बता दें और उनकी श्रद्धा में से छलकते भगवान के असली रूप के दर्शन भी कर लें। आओ सदा सुखी रहो। विद्यालय की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। विद्यालय की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। माधव मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे नहीं माधव, ये तो मेरा क्या होगा, मेरा तो अस्तित्व ही तुम जैसे भक्तों के कारण है। 3 दिन से सारा प्रसाद गांव में बट रहा है या चौधरी को मिल रहा है। 3 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया ना मैंने कुछ खाया। स्वामी भूखा हूं माधव। कृष्णा कृष्णा गोविंद गोपाल बोलो रे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद गोपाल बोलो रे जय राधे राधे।
कृष्णा कृष्णा गोविंद गोपाल बोलो रे राधे गोविंद गोपाल बोलो रे राधे गोविंद गोपाल बोलो रे।